We are starting our discussion. So before planning this session, I thought about that how I should proceed in this session, and then I finally decided that there's a question, a lot of questions from the chapter already, cockroach and biomolecule. These are two weak zones that you people have mentioned, and that's why I'm discussing right now on those two. So when I started discussion, when I planned this session, I thought initially I will start discussing from the question directly, but then I found that I can, in the live class, I can solve maximum 50 questions, but there are so many things, key areas where the question can also be asked. So today also I'm first discussing, the NCERT PDFs and NCERT mark PDF, that how the question can be asked in your NEET exams, and then we'll discuss few MCQs. Okay. So pehle, I think you can see the screen. I think you can see the screen. Just hold on. Yeah. Take care. ठीक है, स्क्रीन दिखाई पहले सबको. Yes sir. ठीक है, तो इसमें पहले एक चीज याद रखना बेटा, इसमें क्या क्या चीज करना है. तो पहले याद रखना, कॉकरोच में दो तीन एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं चाहता तो जो नया वीडियो है कॉकरोच का, ये दे सकते थे आप लोग को, और फिर सोचा ये वो भी आपके 1.5 आवर्स का हो जाएगा. देन आई थॉट अबाउट चलो लाइव क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं और एक बार आपके लिए. तो पहले एक चीज बताना है, बहुत सारे टीचर्स को भी लगता है क्या क्वेश्चन आपके आर्थम से भी आ सकते हैं, बट व्हाट आई थिंक क्वेश्चन आर्थम से उतना डिटेल्स पे नहीं आएगा, एंड आपके फ्रॉक से भी क्वेश्चन उतने डिटेल से नहीं आएगा. बहुत सारे टीचर ऐसे भी बोलते हैं क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि दे कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द एनिमल किंगडम. तो एक चीज मैं बताऊंगा, ऐसे मैं पिछले साल में भी मैं ऐसे सोचा था, दो तीन साल से जब तक एनटी आ रहा है, तो आई आल्सो हैव द सेम टाइप ऑफ थिंकिंग दैट क्वेश्चन आ सकता है तो एनिमल किंगडम से, मगर आई हैवंट फाउंड दोस. सो ज्यादा लोड आपके लिए इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, और जो आर्थ्रोम है एंड जो आपके फ्रॉग है उसमें आई वुड से हम लोग लाइव क्लास में जितने तक किए थे, शायद आप लोग को याद है, थोड़ा बहुत डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन किए थे आर्थ्रोम को भी लाइव क्लास में. आपके वीडियो बैंक में होगा शायद, है ना, वीडियो बैंक में आपके. तो जितने तक हम लोग डिस्कशन किए थे दैट्स मोर देन इनफ, उससे ज्यादा डिटेलिंग नहीं आएगा. मगर कॉकरोच का एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है एंड सबको ये जानना है. तो पहले मैं ये पूरे कॉकरोच का रिवीजन 30 मिनट्स में खत्म करूंगा, पहले मैं बता रहा हूँ. अभी 7:30 है, तो वी विल कंटिन्यू द कॉकरोच एंटायर रिवीजन 20 to 30 मिनट्स. ठीक है, उससे भी कम हो सकता है, उससे कम नहीं होगा, 30 मिनट्स होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े डिस्कशन करने ऐसे हम लोग आज अभी याद करेंगे ये 30 मिनट्स में, क्या दूसरे आपके घर में जाकर चीज को रिविजन नहीं करना होगा. ठीक है, तो पूरे स्क्रीन में अच्छे से देखो, लैपटॉप है तो आप लोग को अच्छे ऑलरेडी बिगर स्क्रीन में दिखेगा, छोटे स्क्रीन है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा अटेंशन बनाकर रखो. अब देखो, पहले एक चीज याद रखना है, कॉकरोच से पहले क्वेश्चन जो आते हैं, जो आपके बायोडाइवर्सिटी का 7 क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज्यादा जो एनिमल ये बायोडाइवर्सिटी में मिलता है उसका नाम क्या है, तो ये आपको मालूम है, शायद सबको मालूम होना चाहिए इस टाइम पर. सबसे जो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सोचेंगे ऊपर से नीचे, तो सबसे ज्यादा हम लोग को मिलता है आर्थ्रोपोडा. सबको मालूम है ना, सबसे ज्यादा कौन से फाइलम के एनिमल्स मिलता है बताओ? आर्थ्रोपोडा. एंड आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का मिलता है, एंड उसके बाद आप लोग को मालूम है क्या, प्रोटोजोआ मिलता है. तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि दिस इज अ कॉम्बाइंड क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से डायरेक्टली क्वेश्चन है ना. तो और एक क्वेश्चन आ सकता है, ये जो आर्थ्रोपोड है इसमें भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं. आर्थ्रोपोड का नाम है, ये एक फाइलम है, और आपको मालूम है क्या, किड्स पुट्स कैट्स ऑन फायर गैस्ट्रोब, आई मीन यू नो दैट्स किंगडम फाइलम किड्स पुट्स कैट्स इन क्लास ऑन आई मीन ऑर्डर फायर्ड आई मीन फैमिली देन जीनस एंड स्पीसीज. दिस इज दिस इज अ वेरी फेमस निमोनिक that will help you to remember the hierarchical order. It's called hierarchical order, and each step of this hierarchical order is known as taxon. ठीक है,
इसमें आर्थ्रोपोडा में कोई पूछेगा कौन से क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर दे विल से कौन से इंपॉर्टेंट नहीं मतलब मैक्सिमम है, देन दे हैव टू मेंशन समथिंग इज कॉल्ड इंसेक्टा, ठीक है, क्योंकि और भी आर्थ्रोपोडा टाइप के हैं, जैसे आप लोगों को शायद मालूम होगा जैसे कि छोटा मोटा जो सेंटीपीड्स मिलीपीड्स ये सब होता है ना, सेंटीपीड्स मिलीपीड्स इन बंगाली दैट इज एक्चुअली नोन एज तेतुल बिछा और लाइक टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सो दीज आर सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स, सो दे आर ऑल्सो आर्थ्रोपोडा बट यू नो दे आर नॉट इंसेक्टा, ऑल राइट, लाइक स्पाइडर इट्स नॉट आर्थ्रोपोडा, यू कांट से स्पाइडर इट्स आर्थ्रोपोडा, ठीक है, सॉरी आई मीन यू कांट से स्पाइडर इज इंसेक्टा, ठीक है, यू कांट से स्पाइडर इज इंसेक्टा, ठीक है, this is something called arachnida, spider means arachnida, so whenever you know arachnoid matter in the brain also, the meaning of arachnida, arachnoid is nothing but like a spider, okay, they are present like a spider, okay, so arthropoda is insecta, and if anyone is asking you which class having the maximum in number, then you have to say about the insecta, sabko samajh mein aa raha hai beta? सबको समझ में आ रहा है, यस सर नो, यस सर, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन पे जा रहे हैं, ये चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, और दूसरी बात कभी कभार पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन जब किसी को लगता है ना कोई बेकार का क्वेश्चन भी देकर बच्चे लोग को तंग करूंगा तो कर सकते हैं ये लोग, तो जैसे हम लोग को भी याद रखते हैं कॉकरोच का नॉर्मल साइज कितना होता है, तो आपको मालूम है कॉकरोच कितना होगा, एक इंडेक्स फिंगर का साइज होता है, आपके इंडेक्स फिंगर कितने होता है, लगभग इट इज 6 सेंटीमीटर, सो 2.5 यू नो 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, तो 6-7 सेंटीमीटर इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 2.5, आई मीन 3 इंच, अराउंड 3 इंच शुड बी द साइज, सो अराउंड 7 सेंटीमीटर शुड बी द साइज, दिस माइट बी अ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन एंड बट स्टिल यू शुड रिमेंबर सच टाइप क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द नीट एग्जाम. Third question is also important that when I am talking about the cockroach, I can't deny the MCQs on chitin. So if anyone is asking questions on the chitin, this is there might be some integrated questions on the chitin, like which type of biomolecule chitin is. So and I think you people will straightforward answer to chitin, kaun se type ke biomolecules hota hai, homopolysaccharides ya heteropolysaccharides, what do you think? Homopolysaccharide. Yeah, absolutely correct. It is homopolysaccharide. As per the latest edition of NCERT, you have to remember they have clearly mentioned, and this is the correct information, because chitin is not hetero, chitin is homo. And repeatedly I do mention this thing in the class because there's a little bit change. In NCERT, in last in latest editions, a few changes have made already. And with this, I also updated you in live classes too. And I am also telling you, chitin is homopolysaccharide, and it is present in MCQ world. It should be present in mainly in the cockroach in different body parts, not only the exoskeleton of the cockroach. In this class also, I will mention that what are the location in the body of the cockroach where chitin is present. Cockroach ke body mein kaun se jagah pe आपके काइटिन प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं कि कॉकरोच का जो बॉडी का कवर है जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, दे आर ओनली मेड अप ऑफ काइटिन, इवन यू नो दे हैव सम जीआई ट्रैक्ट, उसके जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें भी काइटिन होते हैं, उन लोग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पर भी काइटिन होता है, और बाहर में तो काइटिन है ही, ठीक है, उसका जो गिजर्ड होता है, गिजर्ड जैसे कि हमारे स्टोमक है जो बहुत ही मतलब दे डोंट हैव टीथ ना, कॉकरोच के लिए कोई टीथ टाइप के कुछ है नहीं, तो उन लोग का जो स्टोमक होता है उसका एक मतलब उसके अंदर एक काइटिन टाइप का चीज होता है जो बहुत अच्छे चार्निंग्स फूड चार्निंग में हेल्प करता है, एंड दैट इज मेड अप आल्सो ऑफ यू नो काइटिन, तो गिजर्ड पे होता है जो हमारे लिए स्टोमक है उसके लिए गिजर्ड है, आई विल आल्सो कंपेयर द अदर पार्ट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई जस्ट वांट टू मेक दिस इंप्रेशन क्लियरली, एंड इफ यू स्टिल डोंट नो दैट कॉन्सेप्ट दैट काइटिन इज ओनली नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन द एक्सोस्केलेटन बट आल्सो प्रेजेंट इन द इनर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉकरोच, the first concept that you should remember. Second concept that you should also remember that chitin is also present as the cell wall of the fungi, and the cell wall of the fungi you will also get chitin fungus ke cell wall pe bhi chitin hota hai, ye yaad rakhna hai, video sab log on kar lo beta, video on kar lo, neat exams mein aapko 3 ghanta bhi nahi 4 ghanta aise hota hai, bahut bar 1 ghanta pehle aap log ko exam center mein jana hai fir 1 ghanta wait karna hai, aise hota hai exam hall mein, aise hi hoga is bar bhi, आप लोग 1 घंटे पहले एग्जाम हॉल में 1 घंटा वेट करेंगे, आप लोग को नींद आएगा,
कोई कोई तो नींद में चला भी जाता है, फिर टीचर्स आके बोलता है बेटा एग्जाम अभी स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर लो. तो यू हैव टू सीट फॉर 4 hours, एंड दिस इज नॉट सो इजी ऑल्सो. इट्स नीड्स सम प्रैक्टिस. लाइक इफ ए प्लेयर इज प्रैक्टिसिंग विद यू नो वन डे गेम, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट प्लेयर टू अपियर इन द टेस्ट क्रिकेट. इन द सेम वे दिस इज इट्स अ एग्जाम ऑफ 4 hours एक्चुअली, नॉट 3 hours. Because even 1 hour before you have to enter in the room, so that's why you should have this practice that I can sit for 4 hours continuously. So this is some practice you have to make. ठीक है, सबको समझ में आया अभी? हवा पर कोई आपको ऐसे मतलब entertain भी नहीं करेगा क्या बेटा? उठो उठो अनिंदो. फिर if you अनिंदो का शायद अभी network खराब चल रहा है. अनिंदो आपके network खराब चल रहा है ना अभी? क्लास में है वो? हो भी ओके. आया कहाँ से? पीछे से भगवान की तरह आया. ठीक है ओके. प्लीज टर्न ऑन, कीप टर्न ऑन योर वीडियो, बिकॉज दिस इज समहाउ यू आर आल्सो प्रैक्टिसिंग हाउ टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स. ये दिस इज द क्राइटेरियाज ना. जब कोई जैसे होता है ना, जो क्रिकेटर फुटबॉल किसी दूसरे जगह पर खेलने जाते हैं, दे हैव टू आल्सो प्रैक्टिस हाउ टू अकोमोड, हाउ टू आई मीन गेट फैमिलियर विद द सिचुएशंस ऑफ देयर वेदर, ऑफ देयर क्लाइमेट. So this is something you should also practice. ठीक है, क्योंकि एक अच्छे result करने के पीछे ना सिर्फ education is not the everything. I mean, when you are making a good result in the NEET examination, it is not only how much you have prepared. It also will depends on your strategy, how much questions you are attending, and and what is your approach to the easy questions, and what is your approach to the moderate questions. There are many factors which will decide, because ultimately you have to perform on that day. Suppose your knowledge base is quite strong, but you are unable to perform. So on that day, you are like a performer, like a player, like a singer. You are the performer on for the particular day. ठीक है, और एक ही चीज आपको इसके लिए मिलेगा, एक रैंक मिलेगा, और उसके लिए बहुत बड़ा चीज मिलेगा, आपका जो नेक्स्ट 50 साल का जो जिंदगी मिलेगा. ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं मिलेगा तो जिंदगी नहीं है. मगर एज वी आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, सो वी शुड राइट नाउ थिंक इन दिस वे, वी शुड मोटिवेट आवरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, सो हैव अ लॉन्ग एंटेना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू दैट माइट बी देयर, सो एंड काइटिन से एमसीक्यू हम लोग कर लिए. अब नेक्स्ट जो एमसीक्यू हम लोग करेंगे थोड़ा नेचर मतलब कैसे नेचर होता है कॉकरोच का, क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार. इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मगर ये बेकार का क्वेश्चन भी कभी कभार आता है, तो वी शुड नॉट नेग्लेक्ट दोस क्वेश्चंस. तो पहले एक चीज पूछ सकते हैं, ये काइटिन सॉरी ये कॉकरोच क्या खाता है? वन माइट बी सैंग्विनिवोरस, जिसका मतलब जो ब्लड खाता है उसको हम बोलते हैं सैंग्विनिवोरस. तो सैंग्विनिवोरस मॉस्किटो होता है, जो फीमेल मॉस्किटो होता है सिर्फ ब्लड लेते हैं, तो हमको उसको सैंग्विनिवोरस बोलते हैं. एक होता है हर्बीवोरस, जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाता है, तो ऐसे तो कॉकरोच है नहीं. एक होता है आपके जो जिसका पास कैनाइन टीथ होता है जनरली, उसको हम बोलते हैं जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं. ठीक है, जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं उसको हम बोलते हैं कैनिबल्स. ठीक है, एक्चुअली कैनिबल्स होते हैं जो ह्यूमंस को खाते हैं, उसको कैनिबल्स बोलते हैं हम लोग. जो नॉन वेज खाते हैं उन लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? होलोजोइक न्यूट्रिशन के ऊपर. हाँ बताओ, कार्निवोर्स बता सकते हो. कार्निवोर्स इज करेक्ट. कार्निवोर्स होता है जो फ्लेश के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो बेटा ये याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, मगर ये जो आपके कॉकरोच है ये हमारे तारा है ओमनीवोर्स, ये सब कुछ खाता है. ठीक है, चाहे वेज है, नॉन वेज है, ड्रिंक है, ठीक है, चाहे जो भी दे दो, ड्रिंक भी कर लेगा. ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ये ओमनीवोर्स होता है, ये सब कुछ खाता है. ठीक है, ये याद रखना है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को देख कर लग सकता है हर्बीवोर्स हो सकता है, या फिर छोटा मोटा कीड़ा खाता है ऐसे लग सकता है, मगर ये दे कैन ईट एनीथिंग. ठीक है, आपका कुछ भी स्पॉइल कर सकते हैं, आपके मैंगो है, आपके चिकन है, मटन है, सब कुछ ये खा लेगा. ठीक है, थोड़ा खाएगा मगर खा लेगा. दूसरे क्वेश्चन ये है, ये कब मिलते हैं दिखने में? ये दिन पर नहीं रहता, ये रात पर ज्यादा होता है, तो ये नॉक्चर्नल होता है, तो ये याद रखना है. ओके, दूसरा चीज याद रखना है, ये कहाँ पर ये छुपे रहता है, जैसे कि कॉन्सिल जो होता है ना, ये इससे जो जहाँ पर शेड होता है, शेड्स, तो वहां पर होता है ये लोग. ठीक है, ये याद रखना है. इसका बॉडी फ्लैट होता है, इसका बॉडी का सिमेट्री किस तरह होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इजी क्वेश्चन है अभी फिलहाल आप लोग के लिए. ये रेडियल सिमेट्री है या बायलैटरल है? तो याद रखना, एकदम एकदम बहुत बढ़िया है. आप लोग को याद रखना, ये एनिमल किंगडम का रूल है, जिसके बॉडी में एक तरफ आपके हेड है और दूसरी तरफ आपके
टेल है, इसका बॉडी डेफिनेटली क्या होगा बताओ, डाइलैटरल सिमेट्री होगा, ठीक है, ऐसे होता है, जिसका जिसका बॉडी पे एक तरफ पे हेड या दूसरे तरफ पे टेल होगा डेफिनेटली उसका बॉडी बायलैटरल सिमेट्री होगा, ये याद रखना है, ठीक है, ये बहुत एनिमल किंगडम का अप्रोच है मगर ये याद रखना है, बायलैटरल सिमेट्री कौन से वाला चीज होती है, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बार। और इसको हम लोग पेस्ट के तौर पे कंसीडर करते हैं, पेस्ट का मतलब है जो हमारे लिए हानिकारक है ह्यूमन के लिए, उसको हम पेस्ट बोलते हैं, और इसको हम वेक्टर्स भी बोलते हैं। पेस्ट का मतलब होता है आपका जो खराब करते हैं, खराब मतलब क्या है, देखो खराब का मतलब है आपका बहुत सारी चीज होगा जिसको खराब कर देगा, ठीक है, जो क्योंकि ये जहां पर जाता है वहां पर आपके आपके खाने को खराब कर देगा, बहुत सी चीज को खराब कर सकते हैं, और खराब करने के साथ साथ ये वेक्टर्स भी है, ये क्वेश्चन आते हैं जो इसके बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस स्टोर होके रह सकता है, और ये कोई खाना में आएगा तो हो सकता है वो सारा वायरस और बैक्टीरिया ये खाना के ऊपर चले गए, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर, ये वेक्टर्स भी है और पेस्ट भी है, ठीक है, ये सारे था इसका जनरल नेचर के ऊपर कुछ रिविजनल क्वेश्चन का आंसर। और फिलहाल नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इसका साइज के बारे में, देखो साइंटिफिक नाम में पूछेगा तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये याद रखना है, पेरीप्लैनेटा इसका जीनस, इसका जेनेरिक एपिथेट, एंड अमेरिकन है स्पेसिफिक एपिथेट। I am using this term because I think you are quite familiar with the biological classifications and the taxonomy system. We do say the one part of the, if we are mentioning any, you know, scientific name, the first part is called generic epithet, the second part is called specific epithet, and there is also a rule to write down those things. I just want to ask one question. I don't know whether you have revised that chapter properly or not, but I expect you to revise that chapter properly. If I say Mangifera indica lean, I mean Linnaeus, do you know how to write it down? This is, should be the Mangifera. Okay? This should be like Indica. So when I'm writing it down, I did not write it in italic. When I'm typing it in the computer or in anything, then it is possible only I can type it. And then I did not to underline it separately. Here I'm underlining it separately. So in your actual NEET exam, you will not get the handwritten part. So you will get the computerized version. So in the NEET exam, what you will get, that is something like this, Mangifera, Indica, you will get. ठीक है, जो questions आते हैं उसके बाद ये underline उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें underline का कोई जरूरत नहीं है, because that is already italics. जब italics होता है तब underline करने का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है, जब italics होता है तब underline करने का कोई जरूरत नहीं है। अब आपके NEET exam में आया और उन लोग ने क्या किया, ऐसे ही लिखा नॉर्मल इंग्लिश में Mangifera indica, तब they should underline. Are you getting me? और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जाता हूं अभी, ये जो लीन होता है LINN कैरोलिनियस, ये याद रखना, इसके बाद फुल स्टॉप डालना है या इसका आगे फुल स्टॉप डालना है या फिर फुल स्टॉप डाल ही नहीं रहा है, बताओ, ये क्वेश्चन आते हैं। मैं क्लास में भी कराया था, आप लोग रिविजन को, जो जो लोग रिविजन किए हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो, उन लोग को अच्छे से मालूम है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक दो बार 2018 नीट पे भी आया था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीनियस वाला, जो लीनियस है साइंटिस्ट जो जिसने जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था स्पीसीज को, तो ये लीनियस लिखने से हम लोग को फुल स्टॉप आगे पीछे देना चाहिए या एकदम नहीं देना चाहिए, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके आपके नीट पे आएगा, बताओ, किसी ने नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये है किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है। सेकेंड वन मतलब फुल स्टॉप आगे पीछे दोनों में देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, ये पहले वाला सिर्फ लिखना है, पहले वाला नहीं, नो सर, दूसरे वाला नहीं, नो सर, ये लिन की ऐसे कैपिटल एल कैपिटल होगा ना स्मॉल होगा, कैपिटल कैपिटल, ठीक है, सब कॉन्फिडेंट हो तो, किसी का कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं, ठीक है, ठीक आंसर है यही, लिनियस का आगे पीछे कुछ नहीं देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लिनियस का आगे पीछे कुछ कुछ कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम लिख लो, अंडरलाइन करना है या नहीं करना, नहीं करना है अंडरलाइन, लिनियस को अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है, चलो। तो फिलहाल नेक्स्ट चीज हम लोग जो अभी याद कर रहे हैं, ये पेरीप्लैनेट अमेरिकन है, देखो ये लोग इटैलिक्स में लिखे है ना, ये जो थोड़ा इटैलिक्स पे लिखे है, ओके, एक क्वेश्चन पूछता है ये पेरीप्लैनेट अमेरिकन है कौन से लैंग्वेज में आते हैं, ये जैसे कि अमेरिका में तो अमेरिका ये एक वर्ड है, एक क्या बताऊं मैंने, एक प्रॉपर नाउन है, मगर ये पेरीप्लैनेट या फिर जो भी चीज होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इसका नाम किस में देने के, कौन से लैंग्वेज पे देने में कोशिश करते हैं, लैटिन, लैटिन इज द करेक्ट आंसर, नॉट द ग्रीक, नॉट द रोमन, ठीक है, इज द लैटिन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई लैटिन, क्यों हम लोग लैटिन में इसका नाम देते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश क्या होता है, डिस्कवरेबल लैंग्वेज है, नया नया वर्ड्स आता है, नया नया मीनिंग आता है, थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देते हैं, नया नया वर्ड होता है, ठीक है,
बहुत सा नया नया वर्ड मतलब डिक्शनरी में इंक्लूड होता है, ठीक है, बहुत बार ऐसे हुआ है. जैसे कि जय हो इज राइट नाउ इज अ इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड. Okay, so this is a, like I just want to give one example. So, you know, so you have to understand this Latin is a dead language. No one do practice to discover Latin. So that's why we are preferring Latin language to give names. So ये भी questions आते हैं. और ये आपके, you know, this is ये जो पहली planet अमेरिका ने, ये याद रखना, ये आपके जो write के जो style है, font के जो styles है, ये style आपके italics में, ठीक है? ये question पूछता है काफी बार, तो याद रखना बेटा. अब दूसरे चीज को भी आप लोगों को काफी बार याद रखना है. ओके, इसका साइज आपको याद है. अब हम लोग एक चीज में, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. इसके जो बॉडी है, इसके जो बॉडी है, इसमें बॉडी में पार्ट कौन से हैं, ठीक है? इसके बॉडी में आपके टोटल कुल मिला के कितने पार्ट होगा, याद रखना है. आपके इसके बॉडी के जनरल पार्ट होता है, एक हेड होता है, एक आपकी इसके बॉडी का थोरक्स होता है, और इसके बॉडी के एब्डोमेन होता है, ठीक है? एक होता है हेड, एक होता है आपके थोरक्स, एक होता है एब्डोमेन. अब ये थोरक्स को तीन पार्ट में बांटते हैं हम लोग, प्रो थोरक्स, मीजो थोरक्स एंड मेटा थोरक्स. और ये एब्डोमेन का हम लोग कितने सेगमेंट में बांटते हैं, बताओ, कोई किसी का मालूम है कितने सेगमेंट में हम लोग एब्डोमेन को बांटते हैं टोटल कुल मिला के? एनीवन हु कैन, 10 सेगमेंट्स. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 10 सेगमेंट्स में ये क्वेश्चन आते हैं आपके. 10 सेगमेंट्स में एब्डोमेन में ये चीज को बांटना है. अभी ये जो हेड होता है, जैसे कि आपके ये हेड एंड ये जो थोरक्स से सेपरेट है, या याद रखना है, ये जो हेड है थोरक्स से ये सेपरेट है. मगर आपके एनिमल किंगडम में बहुत सारे हैं जिसमें हेड थोरक्स एक साथ होता है, वी कांट सेपरेट देम, दैट्स कॉल्ड सेफालोथोरक्स. जैसे आपके कॉकरोच में तो सेपरेट है, मगर बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर सेपरेट नहीं है. अब दूसरे क्वेश्चन है, आपके लेग्स आएगा एंड विंग्स आएगा. तो क्वेश्चन आते हैं आपके लेग्स कहाँ से आएगा. लेग्स याद रखना है, हर एक से आपके लेग्स आएगा. ये जो तीन का जो तीन आपके जो थोरासिक सेगमेंट्स होता है, इससे आपके तीन, थ्री पेयर लेग्स आते हैं, प्रोथोरासिक लेग, मेजो थोरासिक लेग्स एंड मेटा थोरासिक लेग्स. ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं काफी का. और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हेड में आपके एक आई होता है. तो ये आई देखो दो तरह का आई होता है यहाँ पर. पहले तो एक एंटेना सोचना है, तो एंटेना का बेस में एक आई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलस. ऑसिलस का मतलब होता है सिंपल आई, ठीक है? ऑसिलस का मतलब होता है सिंपल आई, और ये ऑसिलस होता है OCELEUS. मगर इसके साथ याद रखना, इसकी जो आपके ऑसिलस है, इसके नजदीक में आपके बहुत सारे कंपाउंड्स आई होते हैं. इसका मतलब बहुत सारे आई एक साथ है, इसको हम बोलते हैं ओमाटीडियम. क्या बोलते हैं इसको? ओमाटीडियम. और ये याद रखना है, ओमाटीडियम में बहुत सारे आंख है, एक आंख नहीं है एक्चुअली. ओमाटीडियम में बहुत सारे आंख है, और इसी वजह से हर एक ओमाटीडियम में किसी भी चीज जो कॉकरोच दिख रहा है उसका एक एक इमेज तैयार होगा. तो हर एक इमेज जब सुपर इम्पोज होगा एक के ऊपर, तो ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, ये विजन अच्छा नहीं होगा इन लोग का. और इसको हम बोलते हैं मोजाइक इमेज. मोजाइक में होता है ना, मोजाइक का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत सारी चीज जुड़ के बनता है, तब उसको बोलते हैं मोजाइक, मोजाइसिज्म. तो ये याद रखना है, ये आपके मोजाइक इमेज है. और ये मोजाइक इमेज कैसे बनता है, जब एक एक ओमाटीडियम में एक एक इमेज बनता है और हर एक सुपर इम्पोज कर जाते हैं, और दिस इज कॉल्ड मोजाइक इमेज. ये आपके ओमाटीडियम होता है. और जैसे मैंने बताया आपका, ये जो आपके सिंपल वाला आई होता है बेटा, याद रखना, ये सिंपल वाला आई में आपको काफी बार क्वेश्चन आए हैं, ये ऑसिलस, OCELEUS, ऑसिलस. ऑसिलस होता है सिंपल आई, दिखने में उतना काम आता है या नहीं होता है, जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन. बट आपको याद रखना, इन लोग के पास दो टाइप के आई होता है, एक सिंपल टाइप के आई होता है, एक कंपाउंड टाइप के आई होता है. सिंपल टाइप के आई में इन लोग का सिंपल इमेज होता है, कंपाउंड टाइप के आई में इसका ओमाटीडियम होता है, मोजाइक इमेज होता है, और जो आपके नीट के एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, समझ आया? ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है. और दूसरी चीज याद रखना, हेड के बाद नेक्स्ट पोर्शन होता है आपके थोरक्स. थोरक्स में आपके तीन पार्ट होता है, प्रो थोरक्स, मीजो, मेटा. तीनों से ही आपके लेग्स आएगा, मगर विंग्स इसका थ्री पेयर नहीं है, टू पेयर है. तो क्वेश्चन आते हैं, कौन से पार्ट ऐसे है, ये दो पेयर विंग कहाँ कहाँ से आएगा, कौन से दो पार्ट? मेसो थोरक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ये आपके मेजो से आएगा और आपके मेटा से आएगा. तो आपके एक पार्ट ऐसे होगा जिसपे कोई विंग नहीं है. तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जो आपको अच्छे से याद रखना है. आपको जितने भी विंग्स लाना है, ये विंग्स डाल दो आपके मीजो में एंड मेटा में. इसमें भी काफी हद तक डिफरेंस होगा मीजो एंड मेटा में. इसका जो भी जो विंग्स है, दो डिफरेंट टाइप के होते हैं. एक आपका ये फ्लाई करने में हेल्प करता है, दूसरे वाला फ्लाई में हेल्प नहीं करता है, ज्यादातर प्रोटेक्शन में काम पे आते हैं. तो देखो, ये जो विंग्स है, पहले वाला जो मेटा थोरेसिक होता है, ये बताओ, ये बड़ा और थिकर होता है, यस और नो? Anyone who can tell yes, me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, opaque and dark.
यस, इसका कलर क्या होता है? कलर होता है डार्क, एब्सोल्युटली कलर, लेदर, लेदर ही होता है, थोड़ा ये लेदर टाइप का होता है, थोड़ा पेपर टाइप का नहीं, थोड़ा लेदर टाइप का होता है, ये थोड़ा लेदर टाइप का होता है, ये थोड़ा डार्क होता है, और इसका काम होता है जो नेक्स्ट विंग है, इसका मतलब जो मेटाथोरेसिक है उसको कवर करके रखना है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन के तरह थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, ये क्वेश्चन याद रखना, ये प्रोटेक्शन में ज्यादा काम आते हैं आपके, डार्क है, लेदर टाइप के होता है, थोड़ा कवर होता है, इसका फ्लाई में कोई रोल्स नहीं है, ठीक है, ये फ्लाई में उतना रोल नहीं रखते, तो आपका फ्लाइंग में रोल कौन रखते हैं, क्वेश्चन पूछता है आपके बहुत बार, ये फ्लाइंग में रोल रखते हैं लास्ट वाला, ये जो लास्ट जो विंग्स होता है, जो मेटाथोरेसिक होता है, ये फ्लाई में काम करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये छोटे होते हैं, इसका साइज, इसका साइज छोटे है, इसका कलर उतना भी डार्क नहीं है जैसे कि आपके मेटाथोरेसिक, हाँ ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये याद रख सकते हो, पेपर लाइक, ट्रांसपेरेंट पेपर लाइक, वो लेदर लाइक था, ये पेपर लाइक था, ठीक है, और आपकी ये कवर नहीं करती, ये डायरेक्ट फ्लाई करता है, ये क्वेश्चंस पूछता है, ये तीन क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, फ्लाई में हेल्प करता है, इसका एक नाम है, अच्छे एक नाम है जो याद रखना है, जो हम लोग इसको पेयर से इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये इसको इनको हम इसको एलिट्रा बोलते हैं, ई एल वाई टी आर ए, और इसी को हम लोग टेगमिना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है सबको, यस और नो, एनी कंफ्यूजन, किसी का कोई कंफ्यूजन बेटा, क्विक रिवीजन कर लिए हम लोग ये पार्ट में, कोई टेगमिना यू कैन से टेगमिना व्हाट एवर, कोई कंफ्यूजन, सॉरी थोड़ा सा गलत, ये टेगमिना ये होगा, सॉरी ये टेगमिना होगा पहले वाला, मीजो वाला होगा टेगमिना और मेटा वाला होगा आपके एलाइट्रा, ठीक है, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, यस और नो, ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज आपको याद रखना है, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द टेगमिना एंड एलाइट्रा वाला डिस्कशन, एंड दैट इज यू हैव टू रिमेम्बर दैट एलाइट्रा हम लोग कर लिए, हम लोग टेगमिना वाला पार्ट कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो याद रखना, इसका लेग क्या कैसे होता है, देखो इसका नाम ही आता है आर्थ्रोपॉड, तो इसका लेग तो सिंगल लेग नहीं होगा, ये इसका लेग ऐसे बनता है, क्या बहुत सारे पार्ट ऐसे जुड़ जुड़ के इसका लेग होता है, तो इस पार्ट का भी एक नाम होता है कॉक्सा, प्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, एंटार्सस, ये आपके क्वेश्चन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आई वांट टू टेल यू क्या इसको हम क्यों आर्थ्रोपॉड बोलते हैं, आर्थ्रॉन के मतलब होता है ज्वाइंट्स, इसके बाद देखो बहुत सारे ज्वाइंट्स है लेग्स में, इसके लेग्स में बहुत सारे ज्वाइंट्स है, ठीक है, तो ये इसके लेग्स में बहुत सारे जॉइंट्स है, इसके लिए हम लोग इसको आर्थ्रोपॉड्स बोलते हैं, इसको पॉड्स लेग्स पे बहुत सारे जॉइंट्स है, ये क्वेश्चन याद रख सकते हो, इसका लेग्स का क्वेश्चन हो सकता है कभी कभार नीड से, ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको, सबको समझ में आया इतना तक, ठीक yes, है, yes, ये क्वेश्चन पूछता है इसका बॉडी का कलर ब्राउन क्यों होता है, कोई पूछेगा, तो कभी कभार आप लोग देख सकते हो व्हाइट कलर का कॉकरोच, तो आप डर जाते हो व्हाइट कलर का कॉकरोच कहां से आता है, ये डरने की कोई बात नहीं है, व्हाइट कलर का कॉकरोच इस टाइम पे आता है जब इसका जो काइटिन होता है, ये काइटिन नहीं होता है, तो इसका पूरा जो बॉडी होता है एक काइटिन के जो एक्सोस्केलेटन होता है उसका कवर होता है, जब ये वाला कवर नहीं होता है देन यू विल गेट यू विल फाइंड द कलर इज नॉट ब्राउन, द कलर इज व्हाइट, दैट्स अ सिंपल थिंग, अब कोई पूछेगा जो मान लो ये कॉकरोच है, तो ये कोई कॉकरोच है, मान लो ये कॉकरोच है, तो इसका बॉडी का अपर सर्फेस होता है, इसका बॉडी का लोअर सर्फेस होता है, तो एक डॉर्सम में होता है, बैक में होता है, एक एब्डोमेन की तरफ होता है, तो याद रखना है कॉकरोच की ये डॉर्सम का जो भी होता है इसको हम बोलते हैं एक नाम से, जिसको हम बोलते हैं टर्जाइट, स्टर्जाइट, देखो याद कैसे रखना है, आपके खुद के बॉडी का जो ये जो बोन्स है इसका नाम है स्टर्नम, ये जो आपके बॉडी बोन्स है ना इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, दिस समथिंग कॉल्ड स्टर्नम, ठीक है, दिस समथिंग कॉल्ड स्टर्नम, किंग कॉन्ग वाला मूवी होता है ना, किंग कॉन्ग वाला याद रखना, ये किंग कॉन्ग जहां पर हीट करते हैं इसका नाम है स्टर्नम, तो ये जो स्टर्नम होती है आपके वेंट्रल्स पे होता है, एब्डोमेन की तरफ होता है, हालांकि एब्डोमेन नीचे है, मगर चेस्ट में उसी साइड पे ऊपर में जाओगे तो चेस्ट में जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये स्टर्नम को एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट इसके दो साइड पे होता है, दैट्स व्हाई वी आल्सो से दिस स्टर्नम इज द ब्रेस्ट बोन, द नेक्स्ट थिंग, अब ये क्वेश्चन आएगा आपका, क्योंकि ये स्टर्नम के पीछे, ये ब्रेस्ट बोन के पीछे ग्लैंड से जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू है, इसका नाम है थाइमस ग्लैंड, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत बार आता है, या दो लंग्स है, दो लंग्स के ऊपर पे जो मान लो ऐसे दो लंग्स है, तो दो लंग्स के जो एकदम ऊपर की तरफ होते हैं उसको हम एपेक्स ऑफ द लंग बोलते हैं, वहां पर जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम यू हैव दैट ग्लैंड इज कॉल्ड थाइमस, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर टू पर्पस एज पर एनसीईआरटी, वन फ्रॉम द हार्मोन चैप्टर एंड सेकंड फॉर द यू नो दैट समथिंग कॉल्ड
इम्यूनिटी चैप्टर, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायमस को हम लोग ये मानते हैं, ये जो थायमस है, पहले तो जितना एज होगा, उम्र होगा, उतना थायमस का साइज छोटा होता है। एक बच्चे में थायमस का साइज बड़ा होता है, या जितने आपकी उम्र होता है उसका साइज का थायमस का साइज छोटे होता है। और इसके वजह यही है क्योंकि थायमस का जो फंक्शन होता है वो हार्मोन से कंट्रोल होता है, जिसका नाम है थाइमोसिन। ये भी एनसीईआरटी पे मेंशन है, थाइमोसिन हार्मोन एक हार्मोन है जो इम्यूनिटी में बहुत काम करता है। और थाइमस एक ऐसे ग्लैंड है जो आपके जो सेल्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, टी सेल्स, ये टी सेल्स का ट्रेनिंग सेंटर है थाइमस। थाइमस इज द ट्रेनिंग सेंटर फॉर द टी सेल्स, मैचुरेशन होता है टी सेल्स का यहाँ पर। और ये एक चीज बताओ बेटा, ये आपके प्राइमरी ग्लैंड है या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स? ये क्वेश्चन आते हैं आपके नीट पे, प्राइमरी की ये आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी नहीं होता है। क्यों सेकेंडरी नहीं होते? सेकेंडरी का मतलब कौन सा है बताओ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से कौन से? क्वेश्चन आते हैं आपके नेट पे, ये आपके इस किताब में भी लिखा है एनसीईआरटी पे, बताओ। स्प्लीन इज सेकेंडरी, स्प्लीन सेकेंडरी, सेकेंडरी कौन सा होता है बताओ, गलती नहीं करना है, सोचना है, देखो रिवाइज करना है, बायोलॉजी को बार बार रिवाइज करो, एनसीईआरटी बार बार याद करो, प्राइमरी पूछेगा सेकेंडरी पूछेगा? प्राइमरी तो बोन मैरो और थाइमस, ओनली बोन मैरो थाइमस, नो लिम्फ नोड। लिम्फ नोड किस में आएगा? सेकेंडरी पे। ठीक है, एक चीज देखो, एक ये याद रखें कि याद रखने की कोशिश करो, ये आपके जो बोन मैरो होता है और ये जो थाइमस होता है, ये प्राइमरी है, एकदम सही है। सेकेंडरी का मतलब क्या है पहले तो सोचो, उसके बाद आंसर करो। मैं आपका आंसर को सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, कोई किसी को लॉजिक बताना होगा सेकेंडरी का मतलब क्या होता है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? एनीवन, देखो प्राइमरी का मतलब होता है, प्राइमरी का मतलब होता है जिस जहां पर इसका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब होता है, जहां पर आपके ओरिजिन होता है इन लोग का। ठीक है, तो थाइमस में होता है और आपके बोन मैरोस पे होता है। ठीक है, और सेकेंडरी में जितने भी आपके लिम्फ नोड जाएगा, ठीक है, जितने भी आपके लिम्फ नोड जाएगा, जिसे भी, या फिर आपके जितने लिम्फोइड ऑर्गन, जिसकी पेयर पैच आपके हो जाएगा सेकेंडरी में। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा कोई भी लिम्फ नोड बॉडी का, जैसे कि स्प्लीन हो जाएगा, एनी लिम्फ नोड, आपके बॉडी में बहुत लिम्फ नोड होता है। जब आपके इन्फेक्शन होता है ना किसी जगह पर, तो आप देखोगे क्या उस जगह पे कुछ फुला फुला लगता है ना, जैसे कि मान लो आपके गला में ठंड लगे है, तो आपके क्या होता है, ये वाला टॉन्सिल फूल जाता है, अगर इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पर। ऐसे ही होता है जब किसी एक होता है ना, इस एक जगह जो होता है वहां पर कुछ मान लो कोई रायट हुआ है, या फिर कुछ कुछ ऐसे हुआ है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्टिंग ऐसे कुछ हुआ है, तो क्या होता है, उसका बगल में आपको कोई जो पुलिस होगा वो घुसने नहीं देगा। तो ये क्या होता है, आपके कोई भी जब किसी जगह पे इन्फेक्शन होता है, उसका नियर बाय जो लिम्फ नोड होता है उस पर ये इफेक्ट आता है। ठीक है, ये होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर तो इफेक्ट आएगा, क्योंकि दे आर एक्चुअली द फिल्टर। हम लोग लिम्फ नोड को फिल्टर मानते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड को हम लोग फिल्टर मानते हैं। मान लो आपके यहाँ पर एक इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा? नियर बाय लिम्फ नोड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये आपके जितने भी जाम से उसको फिल्टर करेगा। ठीक है, तो ये याद रखते हैं, जो जहां व्हाट इज लिम्फोमा? लिम्फोमा इज द कैंसर ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन। ये प्राइमरी का भी हो सकता है, सेकेंडरी का भी हो सकता है, जनरली सेकेंडरी का होता है। जो सेकेंडरी जो आपके ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है, इसका जब कैंसर न्योप्लाज्म होता है, न्योप्लाज्म, ठीक है, दैट इज समथिंग कॉल्ड लिम्फोमा। ऑलराइट, समझ में आया सबको? यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है, यस और नो? यस सर। सर यस सर। ठीक है, ओके, एक चीज याद रखना। अच्छा, हम लोग वो इस पहले वाला विंग को टिग्मी ने बताया ना, ठीक, वही तो बताया, बाद में तो करेक्शन कर दिया ना पहले वाला विंग को, ये इसको क्या बताया हम लोग ने बाद में इसको क्या बताया, टिग्मी ने तो बताया ना। यस सर। ठीक है, ये टिग्मी ना होगा। यस सर, याद रखना, ये टिग्मी ना होगा, और जो इलाइट्रा होता है ये भी यही होगा। ठीक है, जो कोई काम का नहीं है उसका नाम ज्यादा है यहाँ पर, याद रख सकते हो, जो कोई काम के नहीं है उसका नाम ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, ये इलाइट्रा टेग्मिना पहले वाला हो जाएगा,
ये वाला हो जाएगा, इलाइट्रा जो प्रोटेक्टिव होता है ना, जिसका कोई काम नहीं है उसका नाम ज्यादा हो जाएगा, ये याद रखना, आई थिंक इट विल हेल्प यू टू रिकॉल इन द एग्जाम। छोटे छोटे चीज बहुत सारे ऐसे हो गए ना जो बहुत मतलब कभी कभी तकलीफ देता है, ये याद रखने के, तो याद रखना है ये जो पहले वाला होता है ये ऊपर का होता है, ये किसका काम नहीं है, इसका नाम ज्यादा है, ठीक है। और ये मेसोथोरैक्सिक है ये भी याद रखना, क्योंकि ऐसे आपको दिक्कत लग सकता है ये प्रो से है ये मेटा से, ऐसे नहीं, याद रखना पहले पार्ट से कुछ नहीं होगा, विंग स्टार्ट होता है मीजो एंड देन मेटा, ठीक है, इतना तक याद रहेगा ना सबको, ये सब नो, ठीक है। और जो दूसरी चीज देखो, ये ऑलमोस्ट हम लोग कर लिए तो नेक्स्ट में जा सकते हैं। देखो एक चीज जो आपको स्टर्नाइज क्लेट समझ में आ गया ना, ये कॉकरोच के बॉडी है, तो कॉकरोच के बॉडी में आप लोग को याद रखना है, ये मान लो कोई कॉकरोच का बॉडी है, ये ऊपर का बैक का सरफेस है, ये वेंट्रल इसका मतलब एब्डोमेन का सरफेस है, दोनों का एक जगह पर कनेक्शन होता है, इसको एक मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर एक छोटे से मेम्ब्रेन होता है, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, इसका आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से आपके जो बैक का जो पार्ट होता है, बैक का जो स्केलेटन होता है, इसका नाम होता है स्केराइट, और जो वेंट्रल का होता है इसका नाम होता है स्टर्नाइट, इन दोनों कनेक्ट होता है, तो आपके पूरे ऐसे कॉकरोच का बॉडी है, तो ये आपके हो जाएगा, ये साइड से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग काट के देख रहे थे, इसको ऐसे काटा और काटने के बाद ऐसे देखा, ठीक है, इसको कॉकरोच को ऐसे काटा, काटने के बाद ये पिक्चर देखा, तो ये हो जाएगा कवर ऑफ द बैक, ये हो जाएगा कवर ऑफ द एब्डोमेन, एंड ये दो आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, दैट्स कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, समझ में आया सबको, ये इतना तक समझ में आया सबको। चलो अब दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट्स देयर माउथ पार्ट। देखो एक पार्ट तो हम लोग डिस्कशन कर लिए ऑलरेडी, ये आपके हेड होता है, तो ये हेड में याद रखना है, ये आपके हेड होता है, हेड में याद रखना, ये आपके कंपाउंड हेड होता है, ठीक है, ये आपके कंपाउंड हेड होता है, ठीक है, यहाँ पर और एक छोटे से आंख होता है, दिस इज कॉल्ड ऑसिलस। तो जो कंपाउंड हेड होता है याद रखना है, जो आपके कंपाउंड हेड होता है ये एक्चुअली दिखने में ऐसे लग रहा है, ये ऑसिलस जो सिंगल होता है ना, जो सिंगल होता है ये तो सिंगल है ऑसिलस, और ये आपके कंपाउंड है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आंख है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा, मार्क करने बोलेगा, तो ये कौन सा है, तो याद रखना ये बड़ा वाला आपको कंपाउंड मार्क करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे है, और ये छोटे छोटे है उसका ऑसिलस मार्क करना है, और ये आपके हो जाएगा दो एंटेना, तो एंटेना का नजदीक पे ही दोनों होगा, ठीक है। और एक पूछेगा आपके माउथ के पार्ट में बारे में बताओ, तो ये क्वेश्चन ये तो बहुत बार आया है, फेमस क्वेश्चन है बहुत, ये क्वेश्चन में पूछेगा आपके माउथ से कंपेयर कर सकते हो, कि हाँ कर सकते हैं सर, ये हमारे जो लैब्रम है ये याद रखना अपर लिप होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, लैब्रम हमारे अपर लिप होता है, ठीक है, और ये जो लेबियम होता है ये हमारा लोअर लिप होता है, और ये हाइपोफाइरिंग्स जो होता है ये हमारा टंग होता है, ठीक है, ये याद रखना, तो तीनों आ जाएगा, लैब्रम देखो आपके माउथ में जैसे है, आपके जैसे मैक्सिला है, ठीक है, मैंडिबल है, उनको भी देखो मैक्सिला मैंडिबल है, तो ये इन लोग का हो जाएगा मैक्सिला, तो कैसे देखो ये लोग इस चीज को पहचानना है, दे विल गिव यू द डायग्राम यू हैव टू आइडेंटिफाई, तो मैक्सिला मैंडिबल में बहुत सारे बच्चों को काफी तकलीफ होता है कभी कभार, तो ये याद रखना जो मैक्सिला होता है ये ऐसे याद रख सकते हो, जो मैक्सिला होता है उनमें क्या होता है थोड़ा ये लेक टाइप कुछ होता है, ठीक है, ये थोड़ा एक पार्ट होता है जो बाहर में आता है, तो याद रखना ये एक्स ऐसे एक्स है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, ये मैक्सिला में ये वाला ये लेक वाला पार्ट होगा, ठीक है समझ में आया, तो मैक्सिला में आपके ये याद रखना, ये मैक्सिला में आपके लेग टाइप के कुछ होगा, और मैंडिबल बहुत क्लीन है, ठीक है, नीट एंड क्लीन पार्ट है, याद रखना, ये आपके लोअर जॉ हो जाएगा, ये जॉज हम लोग का जॉ होता है ना, अपर जॉ लोअर जॉ, ये जॉ की तरह काम करते हैं उन लोग का, ठीक है, और जैसे हमारा लिप होता है अपर लिप लोअर लिप, ये लिप की तरह हो जाएगा, ये लोअर लिप ये अपर लिप यही हो जाएगा टंग, समझ में आया सारे के सारे पार्ट, अपर लिप कौन सा है, लोअर लिप कौन सा है, जॉ कौन सा है, अपर जॉ कौन सा है, लोअर जॉ कौन सा है, टंग कौन सा है, ठीक है, ये कंपैरिजन के हिसाब से क्वेश्चन आया है, हम लोग का क्लास में भी हम लोग आज ये क्वेश्चन लाए हैं, डिस्कशन करेंगे, उस टाइम में सिर्फ क्वेश्चन दिखाकर छोड़ देंगे, तो अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, अपर वाला होगा जॉ के बारे में पूछेगा, तो अपर हो जाएगा आपके, जैसे कि हमारे भी मैक्सिला है, उन लोग का भी मैक्सिला है, हमारे भी दो मैक्सिला है, उन लोग का भी दो मैक्सिला है, हम लोग का मैंडिबल एक है, सिर्फ एक ही मैंडिबल होता है, मगर इन लोग का दो मैंडिबल होता है, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, दो मैंडिबल होता है, हम लोग के पास एक ही मैंडिबल है, इन लोग के पास दो मैंडिबल है, और एक चीज याद रखना, टंग हमारे पास भी एक है, उन लोग के पास भी एक है, मगर टंग के नाम टंग नहीं है, हाइपोफैरिंग्स होता है, हमारे अपर लिप एक है, उन लोग का भी अपर लिप एक है, हमारा लोअर लिप एक है, इसका भी लोअर लिप एक है, जिसका हम लेबियम बोलते हैं, लैब्रम इज द अपर लिप, लेबियम इज द लोअर लिप, इतना तक समझ में आया सबको, इतना तक सबको समझ में आया, तो हाउ टू रिमेम्बर, अभी शायद होना नहीं चाहिए, इतना अच्छे से
तो बता दिया याद रखने के तरीका, हर एक का तरीका बताया, मैक्सिला क्या कंफ्यूजन होता है, मैक्सिला मैंडिबुलर में तरीका बता दिया। इसमें इसमें नहीं होगा आई थिंक, ये तो टंग की तरह है दिखने में, एनसीईआरटी तो देखोगे ना बार बार, ऐसे तो ये पहले बार के लिए दिख रहे हो जिंदगी में। आई थिंक इसके बाद नहीं होगा, जो कंफ्यूजन होता था मैक्सिला मैंडिबुलर में, मैक्सिला तो पहले ही पहचान जाओगे। हाँ, इसको मैक्सिला नहीं बताना है कि इसको लेबियम बताना है। देखो ना ये लीप एक पर तो देख के लगना चाहिए, ये लीप लाइक का होना चाहिए, तो लीप ड्रॉ कर लो ना, एक काम करो आप लोग लीप ड्रॉ कर लो इसमें ऐसे, ठीक है आप लोग का लीप, ये लीप आप लोग का अपर लीप, ठीक है हो जाएगा लीप वाला फंक्शन, और जॉ तो याद हो जाएगा, ठीक है बाकी याद हो जाएगा, एक दो अच्छे से याद रखने में बाकी ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है ठीक है, ये तो पार्ट हम लोग कर लिए, और फिलहाल जो एक चीज याद रखने है, इन लोग का जो तो टोटल फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स, हेड इज अ ट्रायंगुलर शेप। अच्छा एक चीज याद रखना है आप लोग को, हेड शेप किस कैसे होता है, ट्रायंगुलर होता है, और हेड बॉडी के सामने होता है, जैसे कि हर एक में ऐसे ही फीचर है, बॉडी के सामने हेड होता है, पीछे में नहीं होता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, आपके पूछता है कभी कभार, आपके जो जो थोरक्स होता है इसके साथ हेड का एंगल कितना होता है, तो बच्चे को लगता है जीरो डिग्री होगा आंसर या फिर 180 होगा, नहीं होता, ये 90 डिग्री आंसर होता है, ये 90 डिग्री आंसर होता है इसका। इन लोग का हेड कुछ इस तरह से होता है कि इसका हेड का डिरेक्शन और इसका बॉडी का डिरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है सबको ये क्वेश्चन याद रखना है, शुभदीप ये याद रखना है, तीना याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोग का बॉडी एंड हेड के बीच का एंगल 90 होता है, 180 जीरो नहीं होता है, ठीक है ये क्वेश्चन याद रखना है। दूसरे क्वेश्चन याद रखना है कि इसके जो हेड है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं, हम टोटल कितने चीज मिला के हम लोग इसका हेड बनाए बताओ, ये डायग्राम भी देख सकते हो, कितने चीज मिला के, कितने पार्ट मिला के हम लोग इसका हेड बनाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है कितने पार्ट मिला के बनाए बताओ, कितने पार्ट मिला के हम लोगों ने बताओ, 1 2 3 4 5 6, ये टंग जो होता है, टंग का अंदर रहता है ना, तो विल नॉट कंसीडर टंग, तो 6 पार्ट मिला के हम लोग इसका जो हेड था ये बना लिया। ठीक है समझ आया सबको, ठीक है। और इसकी जो जो मोबिलिटीज होता है हेड का, थोड़ा मूव कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, सारे चारों तरफ ये मूव कर सकते हैं इसका हेड, ठीक है इसका हेड ये चारों तरफ मूव कर सकता है, ये क्वेश्चन आते हैं इसका, इसके लिए हम मानते हैं इसका नेक फ्लेक्सिबल है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसका नेक फ्लेक्सिबल है। और इसके पास आंख की बात करेंगे तो कंपाउंड आई है, आपको मालूम है कंपाउंड आई में बहुत, एक्चुअली एक आंख नहीं है, बहुत सारे आंख है, इसके लिए उतना बड़ा सा एक आंख होता है कंपाउंड आई, उसमें इमेज क्वालिटी एकदम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे इमेजेस आते हैं, सुपर इम्पोज करता है, और मोजाइक इमेज का फॉर्म ही है, उसके ब्रेन पे प्रोसेस होता है। अब दूसरे क्वेश्चन याद रखना है, एक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं हमेशा बताता हूँ सबको, मगर आई थिंक उसके पहले जो डिस्कशन हो रहा है उसमें और एक चीज बताना है मुझे, दैट इज याद रखना है क्या इसके, ये जो एक pair of thread like antenna, तो antenna जो इसका होता है, ये arising from the membranous socket lying in front of the eye, ये question कभी कभार पूछता है, ये antenna का origin कहाँ पर होता है, तो question पूछता है, याद रखना antenna और antenna किस काम पे आते हैं इन लोग का, तो इस लोग का जो antenna होता है, ये this is actually monitoring of the environment, ये जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर इसका smelling कैसा है, इन लोग मतलब बगल में इसका smelling कैसा है, temperature कैसा है, ठीक है सनलाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज को सेंस कर सकते हैं एंटीने के हिसाब से, एंटीने के साथ। तो क्वेश्चन पूछता है एंटीने का फंक्शन क्या है, सेंसरी फंक्शंस होता है, एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करने में बहुत काम पे आते हैं, और ये एंटीना आंख के एकदम सामने होते हैं, दोनों ही आंख के बारे में बात कर सकते हैं। आंख तो इन लोग का एक कंपाउंड होता है, एक सिंपल होता है, जो बहुत ही नजदीक में होता है, सिंपल आई एंड कंपाउंड आई ऐसे नहीं है, बहुत दूर होता है, ऑसिलस जो आपके ओमाटिडियम है ये एकदम बगल पे होता है, और उसी के सामने आपका एंटेना होता है। समझ में आया एंटेना का काम क्या है, सेंस करना, जो किसी चीज को सेंस करना, मतलब जो टेम्परेचर होता है, स्मेल होता है, ये सारी चीज में, स्पेशली टेम्परेचर सेंसिंग में, टच में, टच के सेंसेशन में बहुत काम आते हैं, कभी मतलब ख्याल आए तो कर सकते हो, आपको भी कोच के एंटेना को पकड़ सकते हो, वो लोग सेंस कर लेगा और आपसे भाग जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, ये जो इसका जो माउथ के टाइप है, देखो आर्थ्रोपॉड का बहुत टाइप के माउथ के टाइप होते हैं, मगर एनिमल किंगडम का सवाल है ये, तो जैसे कि एक होता है बाइटिंग टाइप माउथ, एक होता है चिविंग टाइप माउथ, एक होता है यू नो समथिंग इज कॉल्ड सकिंग टाइप माउथ, एक होता है आपके जो इन मतलब क्या बताऊं उसको थोड़ा जो इंजेक्ट टाइप के माउथ होता है, तो आप लोग को याद रखना ये क्वेश्चन सिर्फ एंट के लिए सही है, एंट के लिए भी ऐसे ही माउथ है जैसे आपके कॉकरोच के लिए है, इन लोग के माउथ है बाइटिंग एंड च्यूइंग, ये क्वेश्चन आते हैं आपके, ये लोग बाइट करते हैं और फिर च्यू करते हैं, ठीक है आपके तरह ही ये लोग बाइट करते हैं फिर च्यू करते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं,
क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप माउथ हो सकते हैं, सकिंग टाइप माउथ हो सकते हैं, इंपिंजिंग टाइप माउथ हो सकते हैं, मगर उतने आपके एनसीईआरटी पे है नहीं। जब पुराना एआईपीएमटी एग्जाम्स था उस टाइम पे हर एक माउथ का टाइप याद रखना होता है, मॉस्किटो में किस तरह का है, एंट में किस तरह का है। अभी फिलहाल आप लोग को याद रखना है एंट में भी यही है और आपके जो कॉकरोच इसमें भी यही है, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का माउथ है। समझ में आया सबको? माउथ के पार्ट हम लोग पहले डिस्कशन कर लिए, सिक्स पार्ट कौन सा है तो अभी डिस्कशन फिलहाल नहीं करेंगे। और जो थोरक्स का पार्ट था हम लोग ऑलरेडी ये भी डिस्कशन कर लिए, प्रो मेसो मेटा ये सारी चीज डिस्कशन कर लिए। और एक चीज याद रखना है जो प्रो थोरक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, द हेड इज कनेक्टेड टू द थोरक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरक्स नोजल नेक, इसको हम नेक बोलते हैं। तो नेक कौन सा है बेटा, देखो एक डायग्राम अभी यहाँ पर है या नहीं है देख लेते हैं एक बार, नहीं डायग्राम लोग के पास यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग जैसे डायग्राम ड्रॉ किए थे, नेक का मतलब होता है जो आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके हेड है और ये आपके मान लो थोरक्स है, प्रो मेजो मेटा, दिस पार्ट इज नोन एज नेक। तो क्वेश्चन पूछ सकता है नेक कहाँ पे होता है, नेक आपके इन बिटवीन द प्रो एंड द हेड के बीच में होता है, ये आपके नेक होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आपके नेक होता है, नेक आपके प्रो थोरक्स एंड हेड के बीच में होता है एंड एंगल आपको मालूम ही है, ये थोरक्स एंड आपके जो हेड का एंगल होता है 90। क्वेश्चन याद रखना है एंगल होता है 90। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये याद रखना है आप लोग को। अब देखो दूसरे बात, फिलहाल और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फोर, आपके जो फोर विंग, जैसे मैं पहले ये सवाल आपसे पूछा है, आपका फ्रेंड ने आंसर दे दिया, तो पहले जो फर्स्ट वाला विंग होता है ये स्टार्ट होता है मेजो से, तो इसका मतलब होता है प्रोथोरैसिक विंग का कोई, प्रोथोरैसिक सेगमेंट का कोई मतलब नहीं है एंड ऐसे कोई चीज होता नहीं है क्या प्रोथोरैसिक विंग। प्रोथोरैसिक से लेग होता है, प्रोथोरैक्स से लेग हो सकता है मगर विंग नहीं हो सकता है, ये याद रखना है, प्रोथोरैक्स से लेग हो सकते हैं मगर विंग नहीं हो सकते, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, अब दूसरी चीज है टेग्मिना के बारे में पहले ही बता दिया, इसको ही हम एलिट्रा बोलते हैं, मैं बहुत बार बताया पहले तो थोड़ा हम लोग गलत डिस्कशन किए थे, पहले हम लोग बताए थे क्या हाइंड विंग्स एलिट्रन है एंड टेग्मिना है, बाद में मैं करेक्ट किया इसको और मैं बताया क्या जो फोर विंग होता है, जो मेसोथोरैसिक विंग होता है उसको ही थिक होता है, लेदरी होता है, कोई काम का नहीं होता है, नाम का होता है, जिसका नाम होता है आपके टेग्मिना। समझ में आया सबको, या फिर इलेक्ट्रॉन, दोनों नाम ही हम लोग प्रो मेसोथोरैसिक विंग के लिए देते हैं। याद आ रहा है किसी का कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा बहुत हम लोग आंसर चेंज किया कभी, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं, मगर फिलहाल अभी ठीक है ना, अभी ठीक है, समझ में आया सबको प्रोथोरैसिक विंग। तो प्रो मेसोथोरैसिक विंग कोई काम का नहीं है, नाम का है सिर्फ, और इसका नाम है इलेक्ट्रॉन और टेग्मिना। टेग्मिना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी पे ही है टेग्मिना। ठीक है, समझ में आया सबको सर? हाँ, मगर हाइंड विंग ये जैसे हम लोग बताया पेपर लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, फ्लाइट पे काम आता है। बताओ, हम लोग फिलहाल बॉडी के सेगमेंट्स के बारे में डिस्कशन खत्म कर लिए, हम अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। बताओ एनी क्वेश्चन समवन? हाँ बताओ, हाउ मेनी ओमनिडियम दे हैव, वन और टू? हाउ मेनी ओमनिडियम? यस सर, कॉम्प्लेक्स है। Compound eyes, if you say they have two compound eyes on either sides, bilateral symmetry है तो एक क्यों होगा? Okay sir. ठीक है, ओमाटिडियम दो होता है, मगर उसमें बहुत सारे आँख होता है, 1000-2000 की तरह लगभग ऐसे होता है उसका, जो ओमाटिडियम में जो images होता है, number of images, it range of in range of 1000. ठीक है, समझ में आया सबको ये सब? Yes sir. ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कौन से बॉडी सेगमेंट में कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो पहले एक बॉडी में इन लोग का एक फीचर्स बताते हैं जो हमारे लिए और इनके लिए थोड़ा उल्टा है, एंड द फीचर इज, सबका वीडियो ऑफ क्यों है? ठीक है, ये फीचर कैसे है, ये फीचर का मतलब है, देखो एक बात समझ लो, ये 20 दिन आपके जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, और आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो रैंक नहीं आएगा, तो इसके आप इसके बाद आपको मतलब ऐसे लगेगा कि 5 मिनट भी क्यों छोड़े हम। ठीक है, ऐसे लगता है, अभी थोड़ा प्रेशर आ रहा है ना, देखो हम लोग कोई पसंद नहीं करते ये स्ट्रेस, ये सारी चीज कोई पसंद नहीं करते, सब लोग चाहते हैं खुश रहे, ठीक है, कूल रहे, सब चाहते हैं, मगर
खुश और कूल रहने के लिए एक टाइम ऐसे बिताना होता है जिंदगी में जिस टाइम में आपको स्ट्रेस लेना ही होगा, एंड दिस इज द राइट नाउ द एक्चुअल टाइम टू टेक स्ट्रेस एंड पास थ्रू दिस फेज। तो जितने अच्छे हैं आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे उतना अच्छा आपके लिए है, ठीक है। हम लोग का तो जिंदगी जो बनना है बन गया है, आप लोग को जो अभी बनाना है आपका जिंदगी, ठीक है। तो नेक्स्ट यू हैव टू रिमेम्बर द इम्पोर्टेंट थिंग एंड दिस इज समथिंग यू नो इज कॉल्ड एज एक चीज डिफरेंस है। देखो हम लोग का जो बॉडी होता है इनमें हम लोग का जो बॉडी के सामने पे होता है ना जो दैट इज कॉल्ड द वेंट्रल पोर्शन, ये जो हम लोग का बॉडी के जो वेंट्रल पोर्शन होता है जो सामने में होता है यहाँ पर हमारे हार्ट होता है, ठीक है। और पीछे में हम लोग का नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। हम लोग का बॉडी ऐसे होता है कि हमारा जो कार्डियक सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है ये सामने में होता है, ठीक है। ये कोई ह्यूमन के बॉडी है साइड से दिख रहे हैं हम लोग, तो साइड से दिखने से क्या होगा ये ह्यूमन में क्या होगा, इसका फ्रंट में क्या होगा हार्ट या फिर जो एओर्टा नीचे जाएगा आपको मालूम है ऊपर भी जाएगा ऐसे बहुत से कैरोटिड वेन कैरोटिड आर्टरी फैक्ट्री से ऐसे जाएगा और आपके जो एब्डोमिनल एओर्टा फिर ऐसे गया आपके हाथ पैर पैर में ऐसे चला गया, ठीक है। ये ह्यूमन के लिए होता है। इसका पीछे में क्या होता है, पीछे में आपको याद रखना है पीछे में नर्वस सिस्टम होता है जैसे कि ब्रेन ऐसे आया स्पाइनल कॉर्ड आया फिर ठीक है सेंट्रल है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चला गया ऐसे होता है। कॉकरोच के लिए उल्टा होता है, इन लोग का जो एंटीरियर होता है वेंट्रल होता है यहाँ पर आपकी इसका नर्वस सिस्टम होता है और इसका जो कार्डियक सिस्टम होता है ये पीछे पे होता है। समझ में आया सबको, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस भी आए हैं एक दो बार। तो इतना हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर से। अब देखो दो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कभी कभार, बोट शेपेड स्टर्नम कहाँ पर है, बोट शेपेड बोट मतलब होता है ऐसे, दिस इज समथिंग कॉल्ड बोट, जस्ट होल्ड ऑन, सेवन सेगमेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बोट शेपेड ये इसका जो सामने ये किसी का कॉकरोच है मान लो, तो मान लो ये कॉकरोच है तो ये आपके हो जाएगा बोट, तो बोट शेपेड सेगमेंट, तो ये बोट होता है सेवेंथ पे। देखो दिखने में सेवेंथ लग रहा है ना, थोड़ा ऐसे कर लो ना ऐसे ऐसे कुछ कर लो, ये सेवेंथ हो जाएगा बोट। तो सेवेंथ ये क्वेश्चन याद रखने क्वेश्चन आते हैं। एक हमारे हम लोग भी एक क्वेश्चन लाए हैं आज जिसमें आपको ये साफ साफ दिखेगा सेवेंथ सेगमेंट में बोट शेपेड है, ठीक है। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया सेवन सेगमेंट बोट शेपेड होता है। क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट इज और एक चीज याद रखना, ये सेवन सेगमेंट एट एंड नाइन से इसका बहुत प्यार होता है, तो ये लोग क्या कहते हैं सेवन एट नाइन एक साथ रहता है। जैसे कि आप हम लोग का याद रखना, हम लोग का भी एक किसी को मालूम है ना हम लोग का ट्रू रूट्स कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 ये ट्रू है, ठीक है। फॉल्स कितना है 8 9 10, तो 8 9 10 फॉल्स क्यों है क्योंकि इन दोनों जैसे एक रिब्स का क्राइटेरिया क्या है, हाँ दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम मगर दे आर ओरिजिनेटिंग फॉर द वर्टिब्रा। याद रखना है बेटा हर एक चाहे कोई भी रिब्स है जैसे हर एक चीज के लिए एक तो ट्रूथ होता ही है, जैसे आर्टरी के लिए ट्रूथ होता है ये हार्ट से ही आएगा, हर एक आर्टरी हो कोई इसका एक्सेप्शन नहीं होता है, डेफिनेटली दे आर अराइजिंग फ्रॉम द हार्ट। वेन के लिए ट्रूथ ऐसे होता है कि ये डेफिनेटली दे आर कमिंग टू द हार्ट, ठीक है, ये तो ट्रूथ होता ही है, बाकी जो चीज हो सकता है गलत मगर ये दो चीज ट्रूथ होना है। सिमिलरली आपके जो रिब्स होता है ये तो वर्टिब्री बोन्स जो होता है हमारा बैक बैक में जो बोन्स होता है इससे ओरिजिन करना ही है, हो सकता है दे आर डायरेक्टली ज्वाइनिंग विद आवर स्टर्नम बोन, ठीक है, और ब्रेस्ट बोन, और सो डायरेक्टली ज्वाइन जो करते हैं उन लोग को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। और जो 8 9 10 होता है उन लोग के लिए क्या होता है, उन लोग ऐसे आता है तीन मान लो ये आपके क्या बताओ फॉल्स रिब है, ये वर्टिब्रे से ओरिजिन तो हुआ, वर्टिब्रे से ओरिजिन तो हुआ मगर आने के समय जब सामने जो ब्रेस्ट बोन में जब अटैच होना है, अटैच होने के टाइम पहले ये खुद लोग जुड़ जाते हैं, फिर जुड़ने के बाद ये लोग बोलते हैं सेवेंथ भाई तू कहां पर है, तू तो लास्ट ट्रू रिब है ना तेरे पास जाता है, तो उसका शरण में जाता है सेवेंथ रिब के, और फिर सेवेंथ रिब बोलता है ठीक है चल मेरे साथ आगे जा, तो वो लोग ऐसे बोलते चल तू तो पहुंच गया स्टर्नम तक, हम लोग तीन भी पहुंच गए स्टर्नम तक, तो इतना आलसी है वो सर वो लोग, ठीक है। दैट्स व्हाई द 8 9 10 दिस इज समथिंग कॉल्ड फॉल्स रिब बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन और द स्टर्नम इन फ्रंट। समझ में आया सबको, और बाकी जो दो है वो तो किसी काम का ही नहीं नालायक है। वो जो 11th एंड 12th रिब है ये आपके वर्टिब्रा से ओरिजिन तो होता है मगर सामने जाने का कोई मतलब ही नहीं है, बोलते हैं जो होना है होने दो,
हम आगे नहीं जाएंगे, स्टारनम तक नहीं जाएंगे, 11 12 सिर्फ रिप से ओरिजिन होता है, रिप तक ही रहता है, आगे नहीं जाने का कोई इरादा है इन लोग का। तो याद रखें ये जो 11th एंड 12th है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिब्स होता है, और क्योंकि ये क्वेश्चंस पे आता है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर काम में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नहीं। तो ये आपके फ्लोटिंग्स बोलते हैं हम लोग, फ्लोटिंग, क्योंकि इसमें सामने का कोई अटैचमेंट है ही नहीं, स्टारनम वाला कोई अटैचमेंट है ही नहीं। 8-9 तक तो भी ट्राई तो कर रहा था, एटलीस्ट किसी से बोला भाई तू मुझे इतने तक पहुंचने में हेल्प करे, तो कर दिया। तो दैट्स व्हाई 8-9-10 इज द फॉल्स एंड 9-10 इज द फ्लोटिंग, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड, दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड टू रीच द स्टारनम इन फ्रंट, बट ऑल द ट्रूथ इज एवरीवन शुड अराइज फ्रॉम द वर्टिब्रे बोन व्हिच इज द बैक बोन। हाउ मेनी वर्टिब्रे वी हैव? 33 वर्टिब्रे वी हैव, ठीक है, 33 वर्टिब्रे वी हैव। एंड जब एडल्ट पे होता है इसमें बहुत सारा फ्यूजन व्यूजन होता है, हम लोग कैलकुलेशन भी किया था, नॉर्मल कैलकुलेशन क्या होता है 7, 12, 5, 5, 4, ये होता है एम्ब्रायोलॉजी में कैलकुलेशन। जब हम लोग एम्ब्रायो थे तो उस टाइम पे कैलकुलेशन था 7, 12, 5, 5, 4, तो 33 होता है। ये वर्टिब्रे के बात कर रहा हूँ, स्पाइनल नर्व के बात नहीं करता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, स्पाइनल नर्व का कैलकुलेशन डिफरेंट है। फर्स्ट स्पाइनल नर्व में फर्स्ट जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होता है ये 8 पेयर्स होता है। ये फिर स्पाइनल सेगमेंट की बात करेंगे तो 8 होता है स्पाइनल सेगमेंट। वर्टिब्रे मतलब बोन्स की बात करूंगा तो 7 होता है, मगर नर्व की बात करूंगा तो 8 होता है सर्वाइकल में। थोरासिक में बात करूंगा तो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, कैलकुलेशन इजी है। लंबर में बात करूंगा तो भी इजी है, इसमें भी 5 है, इसमें भी बात कर 5 है। सैक्रम में बात करूंगा तो बोन्स में सैक्रम कितना होता है बताओ? बोन्स में भी सैक्रम 4 होता है, और नर्व में क्या होता है सैक्रम? नर्व में सैक्रम कितना होता है बताओ? एनीवन? चलो अच्छा याद ही कर लेते, इतना सारे कुछ बोल रहे तो लिख ही लेता है। पहले बोन्स के लिए, तो बोन्स के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये आपके हो जाएगा वर्टिब्रे, ठीक है, ये बोन्स के लिए। और नर्व के लिए बात करेंगे तो ये आपके हो जाएगा नर्व के लिए, सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी वी कैन ड्रू, चलो ये ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, विच वन इज एंटीरियर हॉर्न, विच वन इज पोस्टीरियर हॉर्न, हु कैन टेल मी? कौन से वाला एंटीरियर है बताओ, कौन से वाला एंटीरियर है? एंटीरियर हॉर्न का शेप कैसे दिखना होता है, पोस्टीरियर हॉर्न का शेप कैसे दिखना होता है? पोस्टीरियर हॉर्न में क्या आता है? सेंसरी। एंटीरियर हॉर्न से क्या निकलता है? एंटीरियर हॉर्न से क्या निकलता है बताओ? अरे एंटीरियर हॉर्न से मोटर निकलता है। पोस्टीरियर हॉर्न में क्या आता है? सेंसरी। सब लोग भूल गए क्या ये सब? पोस्टीरियर हॉर्न फॉर सेंसरी, एंटीरियर हॉर्न फॉर मोटर, याद आ रहे या नहीं आ रहे? किसी को याद नहीं आ रहा? ये स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, ये सेंटर में आपके होता है ग्रे मैटर, बाहर में यहाँ पर होता है आपके व्हाइट मैटर, ब्रेन में उल्टा होता है, ब्रेन में बाहर में होता है ग्रे मैटर, अंदर में होता है व्हाइट मैटर, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन में बाहर में होता है सेल बॉडी, भीतर पे होता है आपके एक्सन, मगर स्पाइनल कॉर्ड में आने के समय ये थोड़ा ट्विस्ट कर जाता है, ट्विस्ट करके करके ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं चल भीतर में चल जाएंगे, बाहर में चल जाएंगे हम लोग ये सारी चीज, और भीतर में अभी हम लोग रहेंगे सेल बॉडी। तो स्पाइनल कॉर्ड जब आएगा यहाँ पर आपके हो जाएगा भीतर में ग्रे, बाहर में व्हाइट, और इसमें बाहर में ग्रे भीतर में व्हाइट, ये क्वेश्चन आता है। सेरिबेलम में भी ऐसे ही होगा, जो आपके ब्रेन में होता है, मतलब जो आपके सेरिब्रम में हुआ था सेम होता है, स्पाइनल कॉर्ड से सिर्फ उल्टा होता है, ठीक है। ये सब तो याद है आप लोग का, तो फिलहाल सोच लीजिए यहाँ पर सेगमेंट कितना है, यहाँ पर सेगमेंट कितना है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपके बोन्स वाला है इसमें याद रखना 7 है, 12 है, ठीक है, देन है 5 है, देन 5 है, देन 4 है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा बताओ? और यहाँ पर आपके 8 है, 12 है, 5 है, 5 है, 1 है, तो कुल मिला के कितना है बताओ? तो ये आपके हो जाएगा दोनों में, ये हो जाएगा आपके सर्वाइकल, ये हो जाएगा आपके थोरासिक, ये हो जाएगा आपका लंबर, ये हो जाएगा आपका सैक्रल, और ये आपके हो जाएगा कॉक्सीजियल, जो टेल बोन्स में होते हैं। तो लंबर बोन्स के हिसाब से 7 होता है, मगर सेगमेंट स्पाइनल सेगमेंट्स, ये जो स्पाइनल एक स्पाइनल कॉर्ड में है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल सेगमेंट। एक स्पाइनल सेगमेंट से दो साइड से दो स्पाइनल नर्व निकलता है, तो ये हो जाएगा
एक सेगमेंट, आठ में से एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट है, इसमें भी दो पेयर नर्व आया, तीसरा सेगमेंट में थर्ड पेयर नर्व, फोर्थ पेयर नर्व, फोर फ्रॉम फोर्थ सेगमेंट. तो दिस इज इफ आई से इन पेयर्स देन एक्चुअली आई एम सेइंग अबाउट द नंबर ऑफ नर्व्स व्हिच आर इमर्जिंग फ्रॉम दैट सेगमेंट. बट इफ आई डोंट मेंशन द पेयर एंड इफ आई मेंशनिंग दैट वी आर कंसीडरिंग द नर्वस सिस्टम, आई एम एक्चुअली मेंशनिंग द सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स. आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सर्वाइकल वाला सेगमेंट, ये हो जाएगा आपका थोरासिक वाला सेगमेंट 12 एंड 12, लंबर वाला सेगमेंट हो जाएगा 5 एंड 5, सैक्रल वाला सेगमेंट हो जाएगा 5 एंड 5, कॉक्सिजियल में इसके टाइम में वो आपके नर्व में हो जाएगा कम 1, मगर बोन्स में हो जाता है 4. तो याद रखना ये दो फिगर सिर्फ चेंज होता है, 7, 8 एंड 4, 1, ये सिर्फ चेंज होता है. तो आप जो भी चेंजेस होना है ये आपके सर्वाइकल एंड कॉक्सिजियल दो सी में चेंजेस होता है, सामने वाला सी एंड पीछे लास्ट वाला सी. समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? ठीक है. और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो याद कर रहे हैं अभी, दैट इज ऑल अबाउट द ईयर 7th. तो एक चीज बताया ने, 7th बहुत फैसिनेटिंग फिगर है, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम द बोट शिप एट स्टर्नम एंड देन आई एंड समवेयर इज लाइक द फॉल्स. जैसे कि आपका 7th होता है लास्ट ट्रू रिब्स, 7th इज लास्ट ट्रू रिब्स, 7th इज द स्टर्नम, not sternum, not for humans, sternum, it's, seven sternum is boat shaped, that's the question. Sternum तो जो सामने होता है, sternum होता है. अब ये जो चीज मैं बताया आप लोग को, ये बहुत बहुत important है, 7, 8, 9 जो होता है, जैसे false rib होगा तो हम बता सकते हैं 8, 9, 10, मगर इसमें हम लोग को बताना है क्या 7, 8, 9, not 8, 9, 10, this is 7, 8, 9. Again, I'm repeating, don't get confused. 8, 9, 10 is false rib. 7, 8, 9 brood. Pouch, not pouch. I should say brood. That's something called, you know, that's something called brood. Or you can say genital pouch. You can say brood pouch also. So what is the purpose? ये जो देखो, ऐसे ही आपको मालूम है जो seventh था, ये boat shaped type के था ऐसे. ठीक है? ये boat shaped type के था. उसके साथ जब आपका 8 and 9 जुड़ गया ना, ये तीनों ऐसे जुड़ गया. 7 जो boat shaped था, उसके साथ 8 जुड़ गया. और उसके साथ 9 जुड़ गया. सबको समझ में आया? 7, 8, 9. ठीक है, दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग वन ब्रूट पाउच, ये याद रखना है. और जेनिटल पाउच, इसका फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इसका फंक्शन जो होता है, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके जो ये जो 7, 8, 9 एक साथ है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रूट पाउच और जेनिटल पाउच. ये अपनी एनसीईआरटी पे भी लिखा है, ब्रूट पाउच, जेनिटल पाउच. और इसके जो एंटीरियर पार्ट है, ये जो इसके जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, इसके जो इसमें आपके फीमेल गोनोपोर्स होता है, स्पर्मेटिकल स्पोर होता है, कोलेटरल ग्लैंड होता है. मैं फिर से समझा रहा हूँ आप लोग को, फीमेल के लिए यहाँ पर गोनोपोर होता है, ठीक है, स्पर्मेटिकल पोर होता है और कोलेटरल ग्लैंड होता है. चलो हम लोग पहले देख लेते हैं फीमेल का ग्लैंड कैसे रहता है. दो सिस्टम है आपके पास, एक मेल वाला सिस्टम, एक फीमेल वाला सिस्टम. ये आपका हो जाएगा ऊपर का है मेल वाला, ऊपर का है आपका मेल वाला सिस्टम, नीचे में है आपका फीमेल वाला सिस्टम. तो पहले एक चीज याद रखना है, ये जो मेल वाला फीमेल वाला मेल वाला पार्ट है ऊपर में, पहले ये चीज, ये पार्ट कौन सा है बताओ, ये पूरे ये जो पार्ट है ये टेस्टिस है. ठीक है, याद रखना, दे आर एग्जैक्टली लुकिंग लाइक टेस्टिस ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, और उसके जो नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला ट्यूब लाइक जो पार्ट है, ये ट्यूब लाइक पार्ट ह्यूमन का भी जो ट्यूब लाइक पार्ट होता है, जैसे कि ह्यूमन का ट्यूब लाइक पार्ट को हम वास डिफेंस बोलते हैं, या फिर भी हम लोग इसको वास डिफेंस बोलते हैं. समझ में आया सबको? ठीक है, टेस्टिस से ह्यूमन में भी वास डिफेंस आता है, यहाँ पर भी वास डिफेंस आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं है. और बाकी का चीज भी उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, मैं एक एक करके बता रहा हूँ. दो तीन चीज इसमें एक्स्ट्रा है जो आपके ह्यूमन पे नहीं होता है. फैलिक ग्लैंड एक होता है जो ह्यूमन में इस नाम के कुछ नहीं है, फैलिक ग्लैंड यहाँ पर एक्स्ट्रा खास है. और एक चीज याद रखना, एक चीज का जो मशरूम शेप्ड ग्लैंड है ना, ये दिस इज लाइक मशरूम शेप्ड ग्लैंड. ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है काफी बार. तो इसमें याद रखना है, ये जो पार्ट है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एक्चुअली. याद रखना है, ये आपके यहाँ पर स्मॉल ट्यूब्स होता है, यहाँ पर स्मॉल ट्यूब्स होता है. ठीक है, और ये बाहर पे लॉन्ग ट्यूब्स होता है. ये क्वेश्चन आते हैं, एक जगह पे आपका स्मॉल ट्यूब्स होता है और एक जगह पे आपका लॉन्ग ट्यूब्स होता है. ठीक है, दिस आर द लॉन्ग ट्यूब्स, ये स्मॉल ट्यूब्स. ठीक है, ये स्मॉल ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब्स, एंड 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 इसका फंक्शन क्या है, स्मॉल ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब्स, ये एक्चुअली ये आपके टेस्टिस है. टेस्टिस से स्पर्म्स जो हो रहा है ये आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, टेल मी लाइक ह्यूमन बींग, सेमिनल वेसिकल. देन याद रखना, उस पर एक चीज एड होगा, दैट इज फ्रॉम द लॉन्ग ट्यूब्स एंड अंदर में जो होता है स्मॉल ट्यूब.
ठीक है, ये पूरे जो चीज, जैसे ह्यूमन में क्या होता है, याद करो ये आपके टेस्टिस होता है, फिर ये आता है आपके वास डिफरेंस तक, आने के बाद यहाँ पर कौन सी चीज अटैच होता है बताओ, सेमिनल वेसिकल, याद आया सेमिनल वेसिकल अटैच होता है, अरे याद आया नहीं आया, तब ये इजैकुलेटरी डक्ट होता है, याद आया सबको, एक एक राइट साइड में एक राइट इजैकुलेटरी डक्ट होता है, लेफ्ट में लेफ्ट इजैकुलेटरी डक्ट होता है, इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी सेम चीज है, और याद रखना इसको ही हम, इसमें भी हम लोग इसको सेमिनल वेसिकल ही बोलते हैं, तो याद रखना है सेम चीज होता है। बच्चे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन लोग का ये जो एक कंपेयर करने का जो तरीका है ये समझ में नहीं आता, ये कंपेयर करना है बेटा, ये टेस्टिस है, यहाँ पर वास डिफरेंस है, हमारे भी टेस्टिस वास डिफरेंस है, दूसरी जगह पर ये सेमिनल वेसिकल, ये एक टाइप का मशरूम शेपेड टाइप का लग रहा है, मगर वहां पर क्या होगा, वो जो ह्यूमन के लिए दो सेमिनल वेसिकल एक्चुअली होता है, ये यू कैन से ह्यूमन के लिए राइट में एक सेमिनल वेसिकल होता है, लेफ्ट में और एक होता है, यहाँ पर एक ही दिख रहा है, और यहाँ पर जो चीज है इसमें दो पैटर्न्स में डक्ट होता है, सेमिनल वेसिकल में फिल्म में छोटा छोटा डक्ट होता है वो अंदर में रहता है, जो बड़ा बड़ा डक्ट होता है वो बाहर पे रहता है, तो कुल मिला के ये सारे के सारे चीज मिलकर सेमिनल वेसिकल बनाते हैं, और जब ये वेस वास डिफरेंस और आपकी ये जो सेमिनल वेसिकल जुट जाता है उसका नाम क्या होता है बताओ, उसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट हम लोग में कितना था, दो था, इन लोग में भी देखो कितना है बताओ, सिर्फ सेमिनल वेसिकल बहुत अट्रैक्टिव एमसीक्यू हो सकता है, क्योंकि ये एक दिख रहा है और इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के कुछ दिख रहा है, जिसका जो दो टाइप के डक्ट आ रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन में उतना दो टाइप का डक्ट प्रेजेंट इन सेमिनल वेसिकल ऐसे कुछ होता नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे इसलिए सेमिनल वेसिकल बहुत फेवरेट होता है एमसीक्यू के लिए, कॉकरोच का सेमिनल वेसिकल से क्वेश्चन आते हैं, मशरूम शेपेड लेंस होता है थोड़ा, ये पूछता है अंदर में छोटे छोटे बाहर में बड़ा बड़ा डक्ट होता है, और कुल मिला के ये, और इसी के साथ फैलिक ग्लैंड्स भी होता है इसका सेमिनल वेसिकल के साथ, और जो भी है एक चीज सेम है, इजैकुलेटरी डक्ट हम लोग में भी दो है, इन लोग में भी दो है, ठीक है, समझ में आया सबको, इतना तक समझ में आया सबको। अब फीमेल के बात करेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ था ये जो ब्रूट पाउच का सेगमेंट्स है, तो डेफिनेटली वी हैव टू मेंशन, पहले एक चीज बेटा याद रखना, यहाँ पर और एक क्वेश्चन आया तो आंसर अभी भी कर रहा हूँ, याद रखना ये जो आपकी चीज है और ये जो चीज है, दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है, ठीक है, एक चीज याद रखना है जो टेंथ सेगमेंट से आता है, टेंथ सेगमेंट से जो चीज आता है उसको मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, उसको हम बोलते हैं एनल सरसी, ये मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एक चीज याद रखना है जो नाइन्थ से आता है, यहाँ पर फिलहाल आप लोग को इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को लग रहा है दो ही मतलब टेंथ से आ रहा है, मगर ये सही नहीं है, आपके ये वाला जो चीज होगा ये नाइन्थ से आएगा, ये जो चीज है ये नाइन्थ से आएगा, इसको हम बोलते हैं कॉडल स्टाइल और एनाल स्टाइल, ये थोड़ा पेनिस टाइप के होता है, आई डोंट से लाइक पेनिस टाइप, मगर याद रखना ये कॉडल स्टाइल एनाल स्टाइल जो होता है ये नाइन्थ से आता है, ये क्वेश्चन आते हैं और ये सिर्फ मेल में होता है, ठीक है, इसीलिए देखो दूसरे वाला में भी आपकी ये पिक्चर देखोगे, फिलहाल यहाँ पर ड्रॉ इतना अच्छे से नहीं किया, मगर इनमें भी मैं बता रहा हूँ, इसमें भी आपके जो टेंथ होगा, टेंथ सेगमेंट से एनल जो सरसी था ये सरसी आएगा, मगर स्टाइल नहीं आएगा, ठीक है, एनल सरसी आएगा टेंथ से, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है, ये पिक्चर में ये लोग ड्रॉ करने भूल गए सेकेंड वाला पिक्चर पे, ये फीमेल का पिक्चर है सेकेंड वाला में, और याद रखना है इसमें स्टाइल नहीं होगा, सबको समझ में आया बेटा, ये सुन लो, ये क्वेश्चन बार बार आता है, that's why I'm repeating, ये क्वेश्चन मतलब गलत करने से कोई आपका मतलब क्या बताओ, नीट में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए जो ये क्वेश्चन गलत करेगा। दूसरी चीज है यहाँ पर ओवरी का एक बात है, तो देख सकते हो ओवरी बहुत बड़ा है, लंबा है, बहुत सारे सेगमेंट को कवर कर रहा है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि आइडिया हम लोग के पास है टेंथ सेगमेंट है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं ये हमारा टेंथ है, ये नाइन्थ है, ये एट है, ये सेवेंथ है, ये सिक्स्थ है, ये फिफ्थ है और ये फोर्थ है, तो आप लोग देख सकते हो ओवरी के एक्सपेंशन कहां से कहां तक जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है ओवरी कहां से कहां तक जा रहे हैं बताओ, ओवरी कहां से कहां तक जा रहे हैं, ये फोर्थ टू सेवन तक जा रहे हैं, ठीक है, ये लगभग फोर्थ टू सेवन, किसी किसी किताब में एट भी होता है, क्योंकि ये लोग ये भी कॉमन जो डॉक्ट होते हैं उसको मान लेते हैं, तो फोर्थ से स्टार्ट होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में आपके सेवन एट ऐसे ही रहेगा, फोर्थ से स्टार्ट होता है ये ओवरी एंड ये एट तक जाती है, ये क्वेश्चन एक आता है,
दूसरे क्वेश्चन याद रखना, ये जो ओवरी से जो डक्ट आता है जो एक के साथ दूसरे वाला जुड़ जाता है उस ये वाला डक्ट का नाम क्या होता है, ये याद रखना, ये आपका ओवी डक्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये ओवी डक्ट होता है। और जैसे कि हम लोग में क्या होता है, हम लोग में क्या होता है, हम लोग में आपके ओवरी के बाद ऐसे एक फैलोपियन ट्यूब होता है जो यहाँ पर ओवी डक्ट के नाम पे है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर आप लोग के पास यूट्रस होता है ना, जो यूट्रस फीमेल ह्यूमन फीमेल में होता है, ये यूट्रस नाम का कुछ नहीं होता है, ये डायरेक्टली यहाँ पर जो पार्ट आते हैं हम लोग जो सर्विक्स वजाइना होता है, इन लोग डायरेक्ट उसको ही बोलते हैं वजाइना, कॉमन ओविडक्ट या वजाइना, ये कोई कोई किसी किसी किताब में कॉमन ओविडक्ट भी है और वजाइना, दो ही बता सकते हैं, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया है, आप लोग ये जो कॉमन पार्ट है इसको दो ही बता सकते हो, वजाइना भी बता सकते हो या फिर कॉमन ओविडक्ट भी बता सकते हो, यूट्रस में कुछ कोई कुछ नाम नहीं ले सकता, ठीक है। और एक चीज आप लोग को हैरानी होगा कि ये सोच के एक फीमेल में स्पर्मा थीका क्या है, देखो स्पर्मा थीका का थेका का मतलब होता है बैग, स्पर्मा थेका मतलब स्पर्म कलेक्टिंग बैग, इसमें एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर द कॉपुलेशन द स्पर्म गेट्स डिपॉजिटेड हियर, आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहे हैं। देखो हम इस इनमें तो एक बता सकते हो, इन लोग के पास यूट्रस नहीं है तो इन लोग को तो स्पर्म कहां पर तो होल्ड करना है ना, तो वेयर दे विल होल्ड दैट स्पर्म, दैट इज द बेस्ट प्लेस टू होल्ड द स्पर्म, दैट्स द स्पर्मा थीका, ठीक है, स्पर्मा थीका में क्या होगा, दे विल होल्ड द स्पर्म, समझ में आ रहे हैं सबको, सबको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब जो दूसरे एमसीक्यू देखो, इसमें भी क्वेश्चन आएगा आपका, ये जो आपके ग्लैंड्स है जो ब्रांचिंग ट्री लाइक ब्रांचिंग होता है, ये जो आपके ब्रांचिंग ग्लैंड्स होते हैं इसका नाम क्या है, ये थोड़ा कोलैटरल्स, जैसे कि आपके बायोलॉजी में कोलैटरल्स का नाम ही होता है, जब कोई चीज ऐसे ऐसे होता है हम उसको कोलैटरल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कोलैटरल्स बोलते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होता है उसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, कोलैटरल ग्लैंड्स, इसका नाम हो जाएगा कोलैटरल ग्लैंड्स, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अब देखो ये कोलैटरल ग्लैंड्स कहां पर ओपन कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है कहां पर ओपन करते हैं ये कोलैटरल ग्लैंड्स, ये कहां पर ओपन कर रहा है बताओ, ये कोलैटरल ग्लैंड्स कहां पर ओपन कर रहा है, किस जगह पर ओपन कर रहा है, कोई एक स्पेस में ओपन कर रहे हैं, स्पेस का मतलब होता है वेस्टिब्यूल, स्पेस का मतलब होता है वेस्टिब्यूल, तो ये चेंबर में या फिर आप लोग बता सकते हो चेंबर पे ओपन करते हैं, दिस इज कॉल्ड जेनिटल चेंबर, ये जेनिटल चेंबर में ओपन कर रहा है, ठीक है, ये और इसका ही जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो आप लोग हैरान हो सकते हो, जैसे कि ह्यूमन के बारे में सोचेंगे तो सर इसको हम थोड़ा बहुत वजाइना टाइप का बोल सकते हैं, मगर इन लोग में देखो वजाइना कितना ऊपर है ना, हम लोग कॉमन जो पार्ट है उसको वजाइना बोल रहे हैं, तो ये घबराना मत, क्वेश्चन में आएगा पूछ सकता है, ये कॉकरोच के लिए ये पार्ट वजाइना नहीं है, गलती मत करना है, कॉकरोच के लिए ये पार्ट है जेनिटल पाउच, तो जेनिटल पाउच में आपके दो पार्ट आ जाएगा, ऊपर का पार्ट को बोलते हैं हम जेनिटल चेंबर और नीचे का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, समझ में आया, समझ में आया तक। और यहाँ पर एक चीज याद रखना है, फाइसेस, फाइसेस जो आपके जो जब एक नाम आएगा फाइसेस, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइसेस का मतलब होता है कोई भी, जैसे फाइसेस का मतलब होता है, एक चीज अच्छे से समझ लो, फाइसेस का मतलब होता है जैसे कि क्या पता हो आप लोग को, फाइसेस चलो मान लो एक ह्यूमंस का बोन है, ठीक है, ह्यूमन से कोई मान लो एंकल का बोन है, तो ह्यूमन जो एंकल जो बोन है जिसको हम बोलते हैं कैल्केनियम, ठीक है, कैल्केनियम बोन, तो थोड़ा इसका शेप कुछ अलग अलग होगा, जैसे कि इस तरह का होता है कैल्केनियम बोन, ह्यूमन के एंकल मतलब एंकल बोन, आई एम सेइंग देयर आर यू नो इन आवर फुट हाउ मेनी बोन्स आर देयर, हमारे फुट में कितने बोन्स होता है किसी को मालूम है, अरे ये तो आना चाहिए, हैंड्स में कितना होता है, क्वेश्चन आएगा ये सब, हैंड्स में कितना होता है, फोरआर्म में कितना होता है, आर्म में कितना होता है, क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आपके लेग में कितना होता है, थाई में कितना होता है, फुट में कितना होता है, फुट में कितना होता है बताओ, आपके हाथ में कितना होता है, रिस्ट तक, रिस्ट आई मीन रिस्ट बोन, मेटाकार्पल बोन, रिस्ट आई मीन कार्पल मेटाकार्पल फैलेंजेस मिलके कितना होता है, माय गॉड, रिस्ट पे आपके होता है आठ, रिस्ट पे आपके होता है आठ, ठीक है, मेटाकार्पल देखो मेटाकार्पल कितना होता है, मेटाकार्पल में आपके होता है यहाँ पर एक दो तीन चार पांच होता है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है मेटाकार्पल में, ठीक है, कोई कार्पल में पूछेगा, सॉरी कार्ट तो रिस्ट मतलब कार्पल, कार्पल और रिस्ट में होता है आठ, मेटाकार्पल में आपके होता है पांच, ये हाथ के लिए बता रहा हूं। और नेक्स्ट आएगा फैलेंजेस, अब फैलेंजेस में देखो आप लोग खुद बता सकते हो, ये आपके फैलेंजेस एक फिंगर ले लो तो फैलेंजेस में एक होगा, दो होगा, तीन होगा, तो हर में तीन है, अगर इसमें दो फैलेंजेस है, ये थंब में दो फैलेंजेस होते हैं, तीन नहीं होता है, तो हियर आई एम गेटिंग 3 × 4 = 12 एंड हियर आई एम गेटिंग 2, दैट इज समथिंग, टेल मी टोटल 12 प्लस 2 14, तो आपकी कुल मिला के कितना आ जाएगा, 14 प्लस 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, कोई बताओ, 27
27 ठीक है सो दिस इज समथिंग यू हैव टू कैलकुलेट लेग्स में कितना होता है लेग्स में याद रखना है लेग्स में थोड़ा सा याद रखना है लेग्स में दो कम होता है ये जो कैलकुलेशन है कर्पल वाला जो कैलकुलेशन है ये जो आठ है ये आठ की जगह सात होता है एक्चुअली एंकल एंकल बोन्स जो होता है जैसे कि हमारे रिस्ट होते हैं इनमें अपर एंकल होता है ना तो एंकल बोन्स में आपके टोटल एंकल ज्वाइंट जो फॉर्म होता है ये सात से फॉर्म होता है तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभार तो टोटल वहां पर 26 हो जाएगा ठीक है इतना तक याद रखना है आपके दोनों चारों जो आर्म्स है एक चीज याद रख सकते हो लेग में देखो जैसे कि मैं याद किया अभी क्लास पे मैं याद किया इससे मुझे इतना याद था हमारे टोटल जो शोल्डर से हाथ तक 30 होता है ये शोल्डर से हाथ तक 30 होता है यहाँ पे आपके हिप ज्वाइंट से पा तक 30 होता है यहाँ पर हिप ज्वाइंट से टोटल में 30 होता है टोटल 120 होता है सब लोग को मालूम है ये चीज तो देखो इतना मालूम था इसमें भी 30 होना है इसमें भी 30 होना है और मुझे एक कॉन्सेप्ट ये था कि एंकल में थोड़ा एक कम है तो जो कम है उसका रीजन क्या है क्योंकि इसमें पैटेला होता है पैटेला होता है नी में जो होता है ना बोन्स पैटेला जो सीसामोइड लार्जेस्ट सीसामोइड बोन ऑफ द बॉडी बॉडी का सबसे बड़ा ऐसा बोन जो टेंडन से बने होता है हालांकि मैक्सिमम बोन बने होता है कार्टिलेज से कार्टिलेज पहले वो कार्टिलेज था बाद में बोन्स बन गया ये होते हैं नॉर्मल मैक्सिमम बोन्स मगर एक ऐसे बोन है जो आपके पहले टेंडन था मसल का टेंडन ये ऊपर से एक मसल जाता है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स इसमें चार पार्ट होता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस उसका ऑसिफिकेशन होने से ये पैटेला मिलता है ठीक है और एक क्वेश्चन नी जर्क जो टेस्ट करते हैं हम लोग ना इसको मतलब टेंडन में क्या बताओ हीट करके वो भी ये क्वाड्रिसेप्स जो फीमोरिस है क्वाड्रिसेप्स जो मसल है ये क्वाड्रिसेप्स मसल का ही टेंडन से हीट करके चेक करते हैं नी जर्क ठीक है तो फिलहाल ये देख लो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है अभी फिलहाल ये क्वेश्चन याद रखना है हम लोग जो याद कर रहे थे पहले थोड़ा 5-10 मिनट चाहिए एलिमेंट्री सिस्टम बाकी है अभी क्योंकि देखो हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कशन करने था हम लोग कर लिया ठीक है इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा पॉइंट सारे के सारे आप लोग को मालूम है कौन से वाला टेस्टिस है कौन से वाला फैलिक ग्लैंड से कौन से वाला स्मॉल ट्यूबुल्स लॉन्ग ट्यूबुल्स ऑफ द एसवी सेमिनल फिसिकल वास्ट डिफरेंस मालूम है इजैकुलेटेड डक्ट आपको मालूम है राइट ओके एक चीज ये बताया मैंने फैलोमियर मतलब होता है जो आपके ये मेल में होता है फैलोमियर होता है थोड़ा बहुत स्क्रोटम की टाइप की चीज होता है ये फैलोमियर ठीक है जो फैलस का नाम मतलब होता है फैलस का मतलब होता है जेनिटल ऑर्गन उसके बगल पे जो ये पर एक ऑर्गन टाइप के होते हैं इसको हम फैलोमियर बोलते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर याद रख सकते हो ये थोड़ा सा स्क्रोटम टाइप की चीज होता है और एकदम कहां पर बताओ एकदम एंड पे उस जगह पर होता है और जो मैंने फिर से बताया फाइसिस का मतलब क्या होता है मान लो ये एंकल बोन है जो जहां से मेरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था फाइसिस में याद रखें ये एंकल बोन है तो एंकल बोन से थोड़ा कोई पार्ट बाहर जा रहा है तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एंकल दिस इज नॉट नॉर्मल जैसे होता है ना जब थोड़ा सा हम लोग का एज हो जाता है बोलते हैं ना सभी कि बहुत पेन हो रहा है सॉफ्ट शोल यूज करना चाहिए ठीक है चप्पल जो होना चाहिए बहुत सॉफ्ट होना चाहिए नहीं तो पेन होता है इसका रीजन ये होता है क्योंकि एंकल बोन से ऐसे ऐसे बोन्स जो नया बोन्स ग्रोथ होता है विच इज नॉट नॉर्मल इट गिव्स पेन बिकॉज इसके पीछे में एक नर्व जाता है जो नर्व को ये क्या कहते हैं पिंच करता है तो इसके लिए पेन होता है ठीक है तो दिस इज कॉल्ड फाइसिस ऑल्सो तो याद रखना यहाँ पर भी आपके फाइसिस है तो फाइसिस का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है जैसे कि यहाँ पर भी ये फाइसिस है आपके ये जो फाइसिस है ये थोड़ा ये भी काइटिन से बने होता है ठीक है ये भी थोड़ा कार्टन से बना इसका पर्पस होता है जब ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं तब दिस फाइसेस हेल्पिंग इन द प्रॉपर एंकरिंग में काम आता है ठीक है एंकर करने में हेल्प करते हैं एक के बॉडी से दूसरे के बॉडी सो दिस इज कॉल्ड गोनोपोफाइसिस ठीक है ये गोनोपोफाइसिस में भी आपके काइटिन्स होता है ये क्वेश्चन पूछता है गोनोपोफाइसिस काइटिन बताया था ना मैंने काइटिन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपके एक्सोस्केलेटन तीनों पार्ट में होगा ठीक है समझ में आया सबको ओके अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ नर्वस सिस्टम और आपके क्या बताओ जीआई सिस्टम बाकी है तो जीआई सिस्टम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर लिए क्वेश्चन क्या था यहाँ पर देखो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए ये लोग सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं ये चीज को जो फीमेल के लिए ठीक है याद रखना है ब्रूट जेनिटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेंट्स फीमेल गोनोपोपोर गोनोपोर स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड तो यही चीज हम बताया फीमेल जो स्पर्मेटिकल पोर मतलब स्पर्मेटिका कहां पर था कोलेटरल पोर कहां पर था
और गोरोपोपोर, गोरोपोपोर कहाँ पर था, ये सारे के सारे चीज आपके होते हैं 7, 8, 9 के बीच में, ये सारे के सारे चीज होता है। जैसे हम लोग ने भी मार्क किया था, आप लोग को याद है शायद, ये हम लोग भी मार्क किए थे, ये आपके हमारे कहाँ किस जगह पर है, ये आपके 10th है, ये आपके 9th है, ये आपके 8th है, ये आपके 7th है, ये 6th है। तो हम लोग ने क्या बताया था, हम लोग ने बताया थे कि जो गोनोपोपोर है जो कोलैटरल ग्लैंड से, इसका लोकेशन बताओ बेटा। देखो हम लोग का इंटरेस्ट कहाँ था, ये 6, 7, 8, 9 में, यही ना, यह पर ही ना। सबको समझ में आ रहे हैं, दीपन ने तो समझ में आ रहे हैं, शौहरी समझ में आ रहे हैं, 7, 8, 9 वाज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर ही आपके कोलैटरल ग्लैंड्स है, आपके ये जो स्पर्मथिका जो है, जो स्पर्म का होल्ड करते हैं, ये सारे के गोनोपोपोर जो है, ये सारे के सारे यहाँ पर ही है। गोनोपोफाइसस नहीं, फाइसस थोड़ा नीचे होता है, फाइसस थोड़ा 9th के आसपास होता है, मगर गोनोपोपोर जो होता है, गोनोपोर जो पोर होता है, फाइसस यहाँ पर होता है, गोनोपोर का मतलब होता है ये जो ये जो आपके गोनोपोर होता है, ये दैट इज एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये गोनोपोर क्या होता है, ये आपके जो स्पर्मथिका होता है इसका जो ओपनिंग होता है, ठीक है, ये गोनोपोर थोड़ा नीचे होता है, तो नीचे मतलब 7, 8, 9 में ही होता है। दैट इज समथिंग आई वांट टू टेल, स्पर्मथिकल पोर, गोनोपोर, और क्या बताया मैंने, कोलैटरल ग्लैंड, ये सारे के सारे चीज कहां से कहां पर होता है बताओ, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो एक ही साथ हम लोग दो चीज डिस्कशन कर लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कशन कर लिए, और जो बाहर से जो ये होता है ना सुपरफिशियल मार्किंग, सुपरफिशियल मार्किंग क्या होगा इसका, स्किन मार्किंग क्या होगा या सुपरफिशियल मार्किंग क्या होगा, ये सुपरफिशियल मार्किंग भी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया अभी तक। ठीक है, और इन मेल जेनिटल पाउच और चेंबर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड बाय, यू नो मेल में क्या होता है, ऑलरेडी मैं ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को दे दिया, 9th एंड 10th मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th से क्या आएगा बताओ, 9th के स्टर्नम से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, चलो बता देते हैं ये क्वेश्चन। हम लोग एनल सर्सी एनल स्टाइल बात किया, मगर एक चीज डिफरेंस भी हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए। मान लो ये आपके मेल है, ये आपके मेल है, तो मेल में जैसे आपको मालूम है यहाँ पर फेलोमियर ऐसे ऐसे चीज होता है ना, फेलोमियर याद है ना, फेलोमियर इजैकुलेटेड डक्ट ऐसे चीज होता है ना, एक होता है आपके 9th सेगमेंट, एक होता है 10th सेगमेंट। तो मेल में याद रखना दोनों ही होता है, मगर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है जो आपके 10th वाला होता है ये बैक की तरफ जाता है 10th से, और जो कॉडल स्टाइल और एनल स्टाइल होता है ना ये आपके वेंट्रल की तरफ आता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन थोड़ा चलो साइड व्यू से देख रहे हैं कॉकरोच को, तो साइड से एक मेल कॉकरोच को जब देख रहे हो यही चीज याद रखना है, जो आपके एनल सर्सी है जो 10th से आता है ये आपके ऐसे जाता है, और जो एनल स्टाइल है ये 9th से होता है थोड़ा ऐसा आता है। तो क्या क्या मालूम है आपको, ये डायग्राम आपको किस काम पे आया, काम यहाँ पर है, दिस इज समथिंग गोइंग टू डॉर्सल, बट जो स्टाइल होता है थोड़ा पेनिस टाइप के है, तो ये कहां पर आएगा बताओ, आई शुडंट से दिस इज नॉट एग्जैक्टली पेनिस टाइप, इट इज एक्चुअली, बट यू कैन से दिस मेल ऑर्गन एंड यू कैन से दैट दिस इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल। ठीक है, समझ में आया इतना तक, ठीक है, याद रहेगा, अभी सरसी ऊपर पर, स्टाइल नीचे पर, सरसी दोनों में ही प्रेजेंट होता है, स्टाइल सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है स्टाइल, मेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग डायरेक्टली डिस्कशन करते हैं, ये चीज तो हम लोग जो जितने भी था डिस्कशन कर लिए, मेल में बीआरएस पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्टाइल एब्सेंट इन फीमेल इन बोथ सेक्सेस, 10th जो होता है बीयर से जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर पल्सरसी, चलो ये हम लोग डिस्कशन कर लिया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, अच्छा ये चीज डिस्कशन किए ना हम लोग, आई थिंक यस, मेल बियर्स ये वाला पार्ट जो 10th, आई मीन इन मेल्स द जेनिटल पाउच ऑफ द चेंबर लाइज इन बिहाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th charge of ventrally by 9th, ये डिस्कशन कर लिया हम लोग। ठीक है, कंटेंट डॉर्सल डॉर्सल एनस एंड वेंट्रल मेल जेनिटल पाउच, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिस्कशन कर लिया हम लोग ऑलरेडी। अब ये वाला देखो, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो GI सिस्टम का डिफरेंट पार्ट से क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, ये क्वेश्चन में आपके आएगा फोरगट मिडगट हाइंडगट, तीनों गाठ होता है, जैसे कि आपका भी तीन गाठ होता है फोरगट मिडगट हाइंडगट, तो सवाल ये आता है फोरगट कितना तक है, मिडगट कितना तक है, हाइंडगट कितना तक है, तो इसमें कुछ लैंडमार्क आपको याद रखना है। पहले लैंडमार्क है इसका जब माउथ होता है, हमारे जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स है, इन लोग के पास भी सैलिवरी ग्लैंड्स है और सैलिवरी डक्ट है और रिजर्वर, इसके पास डक्ट नहीं होता है, रिजर्वर होता है, तो ये जो चीज होता है
दिस इज समथिंग कॉल्ड सैलिवरी रिजर्वर. चलो अब थोड़ा ये जो चीज होता है जिसे समथिंग कॉल्ड सैलिवरी रिजर्वर, ठीक है, ये सैलिवरी रिजर्वर है और उसके दो साइड पे आपके सैलिवरी ग्लैंड्स है. ठीक है, अब मेन स्ट्रीम डिस्कशन पे आते हैं. पहले जो पार्ट होते हैं जिसका जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसका हम बोलते हैं फैरिंग्स. जैसे कि हमारे माउथ में भी पहले पार्ट है फैरिंग्स. फैरिंग्स के पीछे हम लोग के पास भी इसोफेगस है, इन लोग के पास भी इसोफेगस है, मगर हम लोग के पास उसके बाद स्टोमक होता है, इन लोग के पास स्टोमक नहीं होता है. इन लोग के पास डायरेक्टली क्रॉप होता है, ये क्वेश्चन पूछता है. और क्रॉप के बाद क्या होता है, हम लोग में क्रॉप के बाद फूड, मतलब स्टोमक के बाद हम लोग के फूड जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में. इन लोग का फूड जाएगा गिजर्ड नाम की एक जगह पर, और याद रखना इसी गिजर्ड में आपके एमसीक्यू है, इसी गिजर्ड में आपका काइटिन है. याद आया ना, काइटिन में बताया मैंने कि इसमें एक काइटिन, इसमें इसका इनर वॉल पे काइटिन होता है. ये काइटिन इसका मिक्सी, मिक्सर में जो होता है ना काइटिन, मिक्सर में ब्लेड्स होता है ना, मिक्सर का ब्लेड की तरह काम करता है ये काइटिन इसका गिजर्ड पे. ठीक है, तो ये याद रखना है. क्रॉप याद रखना है, इसमें मसल्स होता है, जैसे आपके स्टोमक में मसल्स होता है, इन लोग का भी क्रॉप पे मसल्स होता है. तो क्रॉप इज लाइक योर, एक्चुअली किसी किसी किताब में है गिजर्ड थोड़ा स्टोमक के टाइप के, किसी किसी किताब में क्रॉप थोड़ा स्टोमक के टाइप के. मेरे हिसाब से क्रॉप इज लाइक स्टोमक एंड गिजर्ड, व्हाट यू शुड से एक्चुअली. गिजर्ड हमारे हम लोग में कुछ है ही नहीं ऐसे गिजर्ड नाम का कुछ. ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन आएगा, इन लोग के पास लीवर नहीं है, मगर लीवर के फंक्शन की तरह और हमारे लीवर के कंपेयर करने के लिए इन लोग के याद रखना एक जगह में ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम मानते हैं हमारे इसका लीवर. तो ये लीवर का शेप कैसे ट्यूब टाइप के है, थोड़ा ट्यूब टाइप के है, और इसी से हमारा दिस इज द लैंडमार्क विच इज सिग्निफाइंग दैट फोर गट एंड हो रहा है, इसके बाद हाइंड गट स्टार्ट होगा. तो ये क्वेश्चन याद रखना है, सॉरी फोर गट एंड होगा एंड मिड गट स्टार्ट होगा. तो क्वेश्चन पूछता है मिड गट कितने तक है, तो ये याद रखना है मिड गट का स्टार्टिंग तो हो गया इसके बाद, मतलब हेपेटिक सीकी, जिसको हेपेटिक सीकी आफ्टर द गिजर्ड. और इसका जो एंडिंग होगा याद रखना है, एंडिंग कहां पर होता है, एंडिंग होता है इसके साथ मेल्पिगियन ट्यूबुल्स के साथ. मेल्पिगियन ट्यूबुल्स क्या है, एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आते हैं. मेल्पिगियन ट्यूबुल्स इसके लिए एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके लिए एक्सक्रीशन का काम करते हैं, इसके लिए कॉकरोच के लिए. कॉकरोच का एक्सक्रीशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके पास दूसरा कोई किडनी नाम के कुछ है नहीं. तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग के बॉडी जैसे इन लोग के पास सिलोम है ना, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जिनके पास बॉडी में बहुत बड़ा कैविटीज होता है. तो ये जो कैविटी होता है पूरे के पूरे फ्लूइड्स यहाँ पर स्टोर्ड होता है, जिसको हम जो फ्लूइड का नाम है हीमो लिम्फ, जो जगह है यहाँ पर नाम हीमोसिल, और ये पूरे सर्कुलेशन का टाइप होता है ओपन, क्योंकि पूरे बॉडी में आपके फ्लूइड ओपन हो रहा है. तो ये दैट इज आई थिंक यू नो ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग में जैसे होता है जो ब्लड होता है हमेशा कोई ना कोई छोटा मोटा वेसल्स के अंदर होता है, मगर इन लोग में फ्लूइड ब्लड जो होता है ये ओपन कर जाता है एक चेंबर में. ये ऐसे आने के बाद एक चेंबर होता है जहां पर ब्लड ओपन कर जाता है, हम लोग में कभी ओपन नहीं करता है. आइदर वेसल्स के अंदर या हार्ट के अंदर ही ब्लड होता है, किसी दूसरे जगह में ब्लड होता ही नहीं है, मगर इन लोग में होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन वास्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम. अब जो क्वेश्चन आपको याद रखना, इन लोग का मैं कितना क्यों इतना मेल्पिगियन ट्यूबुल्स को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि इन लोग के पास कोई किडनी नाम के कुछ है नहीं. तो इन लोग का जो एक्सक्रीशन होगा ये पूरे के पूरे एक्सक्रीशन, ये आपके जो जो चेंबर है, ये जो चेंबर है दैट इज अ हीमोसिल, हीमोलिम्फ, जो ब्लड है हीमोलिम्फ, इसमें जो भी नाइट्रोजन सब्सटेंस है, चाहे एनीमिया है जो सॉरी चाहे जो अमोनिया है या फिर जो भी है यूरिक, एक्चुअली इसका जो सब्सटेंस होता है ये यूरिक एसिड होता है, याद रखना है. मैं पहले भी बताया था आप लोग को एक्सक्रीटरी सिस्टम्स पे, क्या इंसेक्ट में आपके इंसेक्ट में और आपके रेप्टाइल्स में, इन सारे में आपके बर्ड्स में, इन सारे में आपके यूरिक एसिड होता है. बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट में, इन सारे में आपके यूरिक एसिड होता है. एम्फीबिया में आपके दोनों ही होता है, जब पानी में रहते हैं तब एमोनिया होता है, जब पानी के ऊपर से ऊपर चले जाते हैं उसका यूरिया होता है. ह्यूमन में यूरिया होता है, जो जो फिशेस होता है फिशेस में अमोनिया होता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है. ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही दिया था. तो आप लोग को मालूम है इन लोग के बॉडी में बहुत यूरिक एसिड तैयार होगा जिसको बाहर निकलना है. तो कैसे निकलेगा इसको, तो याद रखना इसमें जो जिसने भी यूरिक एसिड जो फ्लोट कर रहा है ये हीमोलिम्फ और हीमोसिल में, ये निकलने का एक ही तरीका है. क्या ये जो मेल्पिगियन जो ट्यूब्यूल्स है, कॉर्पसल्स नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन किडनी होता है, ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है मेल्पिगियन कॉर्पसल्स, ये ट्यूब्यूल बताना है आपको. मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ये जो नाइट्रोजन सब्सटेंस है इसको खींचेगा, और खींचने के बाद डायरेक्टली ये भेज देगा आपके ये जो हाइंड गट है, हाइंड गट में भेज देगा, ये याद रखना है. तो हाइंड गट से निकालना है जो भी आपके सब्सटेंस है जो हानिकारक है इसके बॉडी के लिए, यूरिक एसिड है, सीधा लेना है आपके हीमोलिम्फ से और सीधा भेजना है आपके हाइंड जो गट है उस पर भेजना है. समझ में आया सबको, this is the mechanism how they do perform their excretory part of the system. excretory system mein aise hi in log ka kaam hota hai. sabko samajh mein aaya beta? theek hai,
ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, जस्ट दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड. तो इन लोग का तीन पार्ट होता है, सबको मालूम होगा. फोर मिड हाइंड, फोर होता है अप टू हेपेटिक्सिका. हेपेटिक्सिका के बाद जो आपके मेसेंट्री, मिडगट, ये सारे सारी चीजें, इलियम. ओके, एक क्वेश्चन आता है इलियम कहां पर है. इलियम इज, याद रखना, आफ्टर, आफ्टर नॉट बिफोर. इलियम कहां पर प्रेजेंट है बेटा? इलियम है आफ्टर, आफ्टर व्हाट बताओ बेटा? आफ्टर व्हाट? आफ्टर व्हाट? हू कैन टेल मी आफ्टर व्हाट? आफ्टर एम्प्टी मैल्पिजन ट्यूबुलर क्वेश्चन आते हैं. ये छोटे से पार्ट आपके इलियम है, ये गलती मत करना, ये छोटे से पार्ट इलियम है, क्योंकि इसके बाद इसका कोलन स्टार्ट होता है. जैसे कि हम लोग का भी कोलन बड़ा होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि कोलन तो लार्ज गट होता है हमारे लिए. और तो इन लोग का भी याद रखना है, कोलन का साइज जो है बहुत मोटा है और इलियम का साइज छोटा छोटा है. और इसके पहले आपका मैल्पिजियन ट्यूब्यूल है, इतना तक डेफिनेटली याद रखना है. और मैल्पिजियन ट्यूब्यूल के बाद आपका हाइंड गट स्टार्ट होता है. सबको समझ में आया? ये सुन लो, सबको समझ में आया? ये सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, हम लोग बहुत आसानी से किया, मगर ये बहुत डिफिकल्ट था. तो एक दो वर्ड एनसीईआरटी पे है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. आप लोग सब कुछ जानते हैं, आपका जो सिर्फ दो एक कैच वर्ड में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर. ट्यूब, याद रखना फेरिंग्स का जो शेप था ये थोड़ा ट्यूब्यूल के टाइप का होता है. ये क्वेश्चन आ सकते हैं ट्यूब के टाइप के होता है, जैसे कि आप लोग भी देखा ये फेरिंग्स जो था ये ऐसे ट्यूब के टाइप का था, फिर क्रॉप स्टार्ट हुआ था. दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और एक क्वेश्चन आ सकते हैं गीजर्ट का और एक नाम क्या है. क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलर्स. प्रोवेंट्रिक्यूलर्स होता है गीजर्ट का और एक नाम, जो क्रॉप के एंड पे होता है. क्रॉप का फंक्शन होता है स्टोरेज, गीजर्ट का फंक्शन होता है थोड़ा, गीजर्ट में क्या होता है मसल्स होता है ना, तो थोड़ा चार्निंग्स होता है ना. तो याद रखते इसमें काइटिन भी होता है. पूछते कितने काइटिन होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं. सिक्स काइटिन होता है यहाँ पर, छह काइटिन होता है, तीन इस वाल में तीन उस वाल में, तो छह काइटिन होता है. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दूसरे पूछ सकते हैं ये काइटिन से बना होता है, सिक्स वाल होता है और इसमें आपके मसल्स भी होता है, मसल्स भी होता है. तो लाइक ए मिक्सी, लाइक एग्जैक्टली मिक्सी. मिक्सी में क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक पावर से थोड़ा इसका ऐसे घुमाना चाहिए, जो घुमाना होगा इसका मसल की तरह काम करेगा. और शायद इसी वजह से जो लोग मानते हैं कि गीजर्ड स्टोमक की तरह है, क्रॉप नहीं, गीजर्ड शुड बी स्टोमक, क्योंकि हमारे भी स्टोमक में भी वाल होता है, मसल्स होता है. ठीक है, हालांकि हमारे स्टोमक में काइटिन, सिक्स काइटिन नहीं होता है, मगर इसमें सिक्स काइटिन होता है और इसके साथ मसल्स भी होता है. समझ में आया? गीजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोग के एमसीक्यू के लिए. क्रॉप फॉर स्टोरेज, गीजर्ट फॉर चर्निंग एंड मिक्सिंग. ठीक है, गीजर्ट में याद रखना, दिखने में छोटा हो सकता है, गीजर्ट का साइज दिखने में इतना छोटा लग सकता है, मगर इसका फंक्शन में बहुत ज्यादा रोल है. साइज होता है, हो सकता है बहुत छोटा, मगर इसका फंक्शन बहुत ज्यादा है. और कोई कोई गीजर्ट को स्टोमक मानते हैं, दैट्स व्हाई. ठीक है, और गीजर्ट का और एक नाम है प्रोवेंट्रिक्यूलरिस. समझ में आया सबको? ठीक है, और ऑलरेडी ये चीज मैं बता चुका हूं, ये जो आपके हेपेटिक सिका है, हेपेटिक टीका थोड़ा ऐसे टाइप का है, ब्लाइंड ट्यूब्स. ये ब्लाइंड ट्यूब्स एक तरफ ओपन है, दूसरी तरफ क्लोज है. तो ये दिस इज एक्चुअली कोल्ड, ऐसे 6 to 8 होता है जिसको, जहां पर कोई कोई इसको बोलते हैं स्टोमक के हेपेटिक सिकी, कोई बोलते हैं तो इसको गैस्ट्रिक सिकी, बताओ जिसका इमेजिन जैसे जाता है. ठीक है, कोई बोलते हैं ये थोड़ा लीवर के, जैसे कि हमारे जिस पोजीशन में लीवर होते हैं उस पोजीशन में ये चीज है. कोई बताते हैं ये जो हमारे जिस पोजीशन में लीवर होते हैं उस पोजीशन में है. तो चाहे आप बता सकते हो गैस्ट्रिक सिका, हेपेटिक सिका, दैट डजंट मैटर, दे विल कंटेन सम डाइजेस्टिव जूस, जो थोड़ा जो खाना ये खाएगा इसको डाइजेशन करने में काम आएगा. तो ये 6 to 8 होता है, ज्यादा नहीं होता, दिखने में भी लग रहा है ज्यादा नहीं है, मगर देखो मैल्पिगन ट्यूब्यूल दिखने में कितने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा लग रहे हैं, 100 के ऊपर होता है. तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 100 के ऊपर होता है. ठीक है, समझ में आया सबको? और 100 मैल्पिगन ट्यूब्यूल का फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आता है. तो मैल्पिगन ट्यूब्यूल एक ऐसे पार्ट है जो फिलहाल इसका प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक्ट पे, मगर याद रखना इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी फंक्शंस में, ज्यादातर फंक्शन होता है. समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक है, और एक चीज में जैसे आपको बताया, याद रखना है आपके मिड गट से हाइंड गट मोटा होगा, मगर ये चीज हमेशा याद रखना, इसमें जो पहले पार्ट होता है इमीडिएटली जो आइलियम होता है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल के बाद जो भी पार्ट है उसको हम हाइंड गट बोलते हैं. पर इसमें याद रखना है, जो पहले जो छोटा सा जो पार्ट होता है इसका हम इलियम बोलते हैं, जिसका लेंथ एंड जो क्या बताओ मैं इसका जो थिकनेस ये सब छोटा है बहुत. ठीक है, ये याद रखना है. इलियम का क्वेश्चन पूछ सकता है, इलियम मिड गट या हाइंड गट में है? इलियम हाइंड गट में है, मैल्पिगियन ट्यूबुल के बाद है, इसका थिकनेस छोटा है, साइज भी छोटा है, लेंथ भी छोटा है, और जो बड़ा मोटा पोर्शन है हाइंड गट में उसका नाम होता है कोलन. तो क्वेश्चन पूछता है आपका हाइंड गट कौन से पार्ट से बने होता है, याद रखना है. ये आपको याद रखना है, ये आपके इलियम भी होता है, ये आपके कोलन भी होता है, और डेफिनेटली बाद में जो एंड में आपके ये रेक्टम वाला जो थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है, जैसे फुला हुआ जो पार्ट है, ये भी होता है. ठीक है, तो ये से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है आपके हाइंड गट, यहाँ से एंड होता है आपका हाइंड गट. समझ में आया सबको? ठीक है,
सबको समझ में आया? फोर मिडगट कहां से स्टार्ट हुआ? हेपेटिक सिका से, एंड कहां पर हुआ? मैल्पिगियन ट्यूबुल तक। ठीक है चलो, हम लोग तो अभी ये चीज कर लिए और थोड़ा सा ब्लड देखो। ब्लड वाले में तीन क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, बहुत आसान से है, बहुत ही आसान से। पहले एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी बता दिया, इन लोग का मान लो ये बॉडी है तो इन लोग का जो कार्डियक सिस्टम होगा पीछे होता है, ये पीछे होता है, सामने नहीं होता है। पीछे मतलब होता है बैक साइड में होता है, वेंट्रल में नहीं होता है। समझ में आया इतना तक? ये बैक साइड में होता है। और एक याद रखना, इन लोग का ब्लड ऐसे फ्लो करता है, इसमें टोटल 13 चेंबर्स होता है इसका, इन लोग का हार्ट 13 चेंबर से होता है, एक्चुअली 13 छोटे छोटे हार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है हमारे ऐसे ही पिक्चर, ये एक, ये जो हार्ट है ये थोड़ा ऊपर का पिक्चर है, तो कोई टॉप व्यू ले रहा है, हेलीकॉप्टर व्यू। तो हेलीकॉप्टर व्यू से देखेंगे तो ऐसे लगेगा, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, ठीक है, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन, दिस इज द सिक्स्थ वन, दिस इज द सेवंथ वन, दिस इज द एइघ्थ वन, ऐसा हो जाएगा। तो 13th होगा ना कुल मिला के, तो आप काउंट करो, काउंट करने से आपको आएगा 13th। अब याद रखना, इसी चीज को हम लोग साइड से ड्रॉ कर रहे थे अभी, ऐसे ही हम लोग ड्रॉ किए, कोई कॉकरोच है तो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ऐसे, ठीक है। 13 है तो 13 स्मॉल स्मॉल हार्ट है। और एक चीज पूछ सकते हैं, इसका दोनों साइड में एक मसल्स होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो एक मसल्स है इस साइड में भी एक मसल्स है, इस साइड में भी एक मसल्स है, इस साइड में भी एक मसल्स है। ये मसल्स का नाम पूछता है एलआरडी मसल्स। दिस एलआरडी मसल्स आल्सो हेल्प्स देम फंक्शन प्रॉपरली, ये क्वेश्चन आते हैं। और ये पीछे का हार्ट का जो पोस्टीरियर चेंबर्स होते हैं, ये सामने का चेंबर्स होता है। तो ब्लड फ्लो इस तरह से होता है, क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, सबको समझ में आया? थोड़ा आई थिंक आई शुड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर टू मेंशन फ्यू थिंग्स। चलो थोड़ा सा एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ और आप लोग को सबको सब चीज मालूम हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, अब देखो इसी चीज को थोड़ा एमसीक्यू के तौर से देख रहे हैं, साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आपके किताब में तो ऑलरेडी फ्रंट हेलीकॉप्टर व्यू था, टॉप व्यू। तो साइड व्यू से ड्रॉ करने से, मान लो ये आपके हेड है, ये आपके पूरे बॉडी है, मान लेते हैं ये आपके हार्ट आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, फर्स्ट चेंबर, सेकंड चेंबर, थर्ड चेंबर, ब्ला 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 ऐसे होगा, टोटल 13 चेंबर ऐसे होगा। और ब्लड जो जहां से घुसेगा उसको हम बोलते हैं ऑस्टियम, ऑस्टियम से ब्लड घुसेगा और ये ब्लड ऐसे जाके 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 यहाँ तक आएगा। फिर आने के बाद क्या होगा, ये मेरा आज का पर्पस था डिस्कशन करने, ये डायग्राम ड्रॉ करने का। फिर आने के बाद ऐसे एक ओपन चेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं, बताओ ओपन चेंबर का नाम क्या होता है? हीमोसिल। जो हीमोसिल में ये जो पूरा जो ब्लड है ये आने के बाद स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हीमो लिम्फ। हीमोसिल का और एक नाम होता है साइनस, क्योंकि साइनस इज एक्चुअली अ स्पेस। समझ में आया सबको? और ये ओपन स्पेस में ओपन हो रहा है, इसीलिए हम इसको ओपन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ये सर्कुलेशन इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेशन बिकॉज ब्लड इज गेटिंग ओपनड इन द चेंबर। समझ में आ रहा है सबको? ये सुन लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, क्या ये जो ब्लड है सिर्फ कॉकरोच के लिए ट्रू है, बाकी किसी के लिए ट्रू नहीं है? ये आर्थ्रम के लिए, आई मीन ये दिस इज नॉट ट्रू फॉर यू नो not even for the prawn, this is not true, this is true only for the cockroach, you have to remember। ये जो जो ब्लड आते हैं इसमें कोई हीमोग्लोबिन टाइप के कुछ होता नहीं है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं? क्योंकि इन लोग के पास एक सिस्टम है जिसका नाम है ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम क्या है? ये थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। और याद रखना, इसमें क्या होता है, आपके जो बॉडी है, बॉडी के इसमें बॉडी में 10 pairs स्पिरेक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स होता है, 10 pair। तो आपके 2 pair होते हैं आपके चेस्ट पे, आई मीन थोरैसिक सेगमेंट में, और 8 pair होते हैं आपके एब्डोमेन के सेगमेंट पे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो सेगमेंट, तो बाकी लास्ट में थोड़ा उतना स्पिरेकल्स नहीं होता है, तो जिसको स्पाइरेकल्स। तो स्पाइरेकल्स आपके क्या होते हैं, थोड़ा सा ट्यूब्स आते हैं ऐसे। तो 10 pair होता है, मतलब 10 pair ट्यूब्स होता है। ये ट्यूब इतना इतना छोटा ब्रांचेस में डिवाइड होगा कि हर एक सेल के पास ये खुद ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो देयर इज नो नीड ऑफ हीमोग्लोबिन लाइक थिंग, लाइक हीमोसाइनिन भी नहीं होगा। क्वेश्चन आते हैं आपको, एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन आएगा नीट पे, क्वेश्चन पूछेगा बेटा बताओ तो कॉकरोच पे कौन से वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन। तो आपकी ये क्वेश्चन आपका, आप लोग फटाक से आंसर कर देते हो हीमोसाइनिन। बेटा याद रखना, हीमोसाइनिन जो आंसर है ये सिर्फ आपके जो प्रॉन्स है, जो आपके क्रैब है, इसके लिए सही हो सकता है, क्योंकि उसके पास ट्रेकियल सिस्टम नहीं है। मगर जिसके पास ट्रेकियल सिस्टम है, जो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेकर जा सकते हैं आपके मसल जो सेल के सेल तक, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर डायरेक्टली कैरिंग द ऑक्सीजन टू ईच एंड इंडिविजुअल सेल्स, देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग एनी टाइप ऑफ
respiratory pigment. These are catch questions. You have to remember this thing. ठीक है? समझ में आया सबको? ठीक है, चलो. तो ये चीज आपका, हम तो हम लोग कार्डियक सिस्टम भी खत्म कर लिए. ये क्वेश्चंस आते बहुत ज्यादा आते हैं, ये कॉन्सेप्ट. साइनस क्या होता है, ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या, कलरलेस हीमोलिम्फ, ये सारे के सारे चीज हम लोग खत्म कर लिए. और एक छोटे से पार्ट है नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट, वो भी हम लोग. अच्छा, यूरिया इज द मेन सब्सटेंस, आई हैव ऑलरेडी मेंशन. ये यूरिकोटेलिक होता है और कैसे ये एक्सक्रीशन होता है ऑलरेडी मैं बता दिया. इसका एक्सक्रीशन होता है थ्रू हाइंड गट. ये क्वेश्चन पूछता है, किडनी नहीं होता इसके पास. इसका जो जो पूरे का पूरे जो फंक्शंस होता है, ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स करते हैं, किडनी का फंक्शन करते हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स. और इनके पास वैसे ब्लडर टडर कुछ नहीं है, यूरिनरी ब्लडर नहीं है, इसके पास यूरेटर नहीं होता है. तो पूरे के पूरे काम करता है ये हाइंड गट. तो जो कैरिंग फंक्शन होता है हम लोग का, जो यूरेटर वाला फंक्शन होता है, ब्लडर वाला फंक्शन होता है, ये करते हैं आपके हाइंड गट. और हम लोग का जो किडनी वाला फंक्शन होता है, ये करते हैं इन लोग का मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स. जो एक जिसमें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ऐसे ट्यूब्यूल्स है जो आपको मालूम है 100 के ऊपर होता है, थोड़ा सा फिलामेंट टाइप का, पतला पतला होता है. क्योंकि जो मोटे मोटे होते हैं उसका नाम होता है हेपाटिक्सी का ऊपर पे होता है, जो आपके फोरगट मिडगट के बीच पे होता है. मगर जो मिडगट हाइंडगट के बीच में होता है उसका नाम होता है आपके मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, जो बहुत पतले होता है, नंबर बहुत ज्यादा होता है. और उसमें भी आपके याद रखना थोड़ा ग्लैंड टाइप के सेल्स होता है और सिलिएटेड सेल्स होता है. सो दैट जो मूवमेंट है वाटर करेंट होता है, वाटर करेंट मतलब वाटर जो पानी का एक दिशा लाना है, इसमें हेल्प करता है ये सिलिएटेड सेल्स. और जो भी कर लो इसका सब्सटेंस क्या होगा, यूरिक एसिड होगा, क्योंकि ये पानी का नहीं है, ये आपके इंसेक्ट है. तो ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसेक्ट का होता है. ठीक है, एक क्वेश्चन दो एक बार पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सक्रीशन में हालांकि मेन है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, मगर इसके साथ साथ इसके पास और तीन ग्लैंड है जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं. एक का नाम है फैट बॉडी, दूसरे का नाम है नेफ्रोसाइट, तीसरे का नाम है यूरेकोज ग्लैंड. ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी नीट पे. ठीक है, नॉट ओनली द मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स बट ऑल्सो देर आर सम एक्सेसरी हेल्पर ग्लैंड्स, हेल्पर एक्सेसरी ग्लैंड्स, उसका नाम होता है फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड और एक बताया मैंने यूरेकोज. ठीक है, समझ में आया? अंकिता घोषाल, समझ में आया बेटा? यस सर. ठीक है, और लास्ट पार्ट है. ठीक है, लास्ट पार्ट है हम लोग का आज रिविजन्स में, उसके बाद डायरेक्टली एमसीक्यू पे जाएंगे. क्योंकि बायोमोलिक्यूल हमारा टॉपिक है, उसमें एमसीक्यू का कोई जरूरत नहीं, आई मीन कोई थ्रू एंड थ्रू रीडिंग का जरूरत नहीं है. इसमें सवाल करूंगा तो बाकी दो तीन सवाल आपके नीट पे आ जाएगा. तो देखो लास्ट पार्ट है, ये इजी है. हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे नहीं कॉकरोच का, तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम याद रखना है. कॉकरोच में जो नर्वस सिस्टम आते हैं, ये वाला पिक्चर एक्चुअली गलत है, दैट्स व्हाई आई डोंट डिस्कस दिस. ये पिक्चर, दिस इज नॉट द करेक्ट वन एक्चुअली. ठीक है, ये आपके आर्थ्रोन का पिक्चर आ गया है यहाँ पर गलती से. तो देखो कॉकरोच में एक चीज याद रखना, आप कॉकरोच को जो पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़े पहले ये बताओ इन लोग का जो नर्वस सिस्टम है ये कहां पर होता है. I mean, I just want to know whether this is present in the ventral portion or dorsal portion. Ventral side. That I have already mentioned. ठीक है, ये ventral side में होता है, हम लोग की तरह नहीं होता है, पूरा उल्टा होता है. फिर बताना है हम लोग में क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है. ठीक है, हम लोग में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है. तो याद रखना है इन लोग के पास, अच्छे से सुनना, इन लोग के पास हेड में ज्यादा कुछ नहीं, इसमें ब्रेन में कुछ नहीं है ज्यादा. तो इन लोग का हेड कट भी दोगे तो इसमें कुछ दिन तक ये रह जाता है. If you cut the head of the cockroach also, it can stay for time being. The reason is that इनके पास जो nervous system है, that is present in the ventral. And this is actually nothing but the series of fused and segmentally arranged ganglion joined by paired longitudinal connectives. Now, just listen to me carefully. This is very important actually. Now I am trying to draw. Suppose this is a cockroach. Suppose this is the abdomen of the cockroach. If you see the abdomen of the cockroach or ventral part of the cockroach, you will get to know there is some, this is called connective. This is the ganglion. This swelling. This is called ganglion. ठीक है, ये जो ganglion है, they are connected with connectives. ये and this is called connective. तो ये ऐसे इसका पूरे system जाता है, This is the ganglion and this is the connective. ठीक है, समझ में आया सबको? अब देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गैंग्लियन एंड कनेक्टिव हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी. सो दिस इज सीरीज ऑफ फ्यूज्ड,
सो दिस इज सीरीज ऑफ फ्यूज एंड सेगमेंटली, एक एक सेगमेंट में एक एक गैंग्लियन होता है, एक्चुअली एक नहीं दो गैंग्लियन होता है, और दे आर एंड जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स, ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव नहीं है, देखो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द राइट साइड गैंग्लियंस, सेगमेंटल गैंग्लियंस, एक एक सेगमेंट में एक एक गैंग्लियन, 10 सेगमेंट में 10 गैंग्लियन, एंड दे आर कनेक्टेड विथ longitudinal connected, देखो transverse connected का मतलब होता है ये, this is not, I am not drawing this one, ये transverse connected में draw नहीं कर रहा हूँ, what I am drawing longitudinal connected, समझ में आया सबको, इतना तक समझ में आया, तो तू पूरा हमारा concept बन गया, ये ventral होता है, longitudinal connectives होता है, paired ganglions होता है, ventral में रहता है, सबको समझ में आया? Yes, sir. तो टोटल क्वेश्चन पूछता है कितने गैंग्लियंस होता है, तो याद रखो 9 होता है, ये क्वेश्चन आया है 9 होता है, 9 में याद रखना है सेगमेंट कितने होता है हमारे, देखो थोरैक्स में आप बताओगे तो थोरैक्स में 3 सेगमेंट, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट, टोटल 13 यू कैन से, बट यू हैव टू रिमेम्बर पूरे जो आपके एब्डोमेन में पूरे के पूरे सेगमेंट्स में ये नहीं प्रेजेंट होता है गैंग्लियन, तो एब्डोमेन में 9 होता है और इसमें 3 होता है, तो 3 प्लस 9 में प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा याद रखना होगा आप लोग को, थोरैक्स में तीनों थोरैक्स में तीनों गैंग्लियन है, अगर एब्डोमेन में पहले 9 में है, बाद का जो फर्स्ट है ना एक बाकी होता है उसमें नहीं होता है, समझ में, सॉरी एब्डोमेन में 6 होता है, सॉरी सर टोटल 9 होता है, एब्डोमेन में 6 होता है, ठीक है कुल मिला के 9 होता है, ऑलराइट समझ में आया सबको? यस सर, ठीक है, और एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड होल्ड्स अ बीट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बेली साइड ऑफ द बॉडी, सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दैट इफ अ हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल सर्वाइव फॉर लॉन्ग फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, समझ में है, ये क्वेश्चन आपके नीट पे आया था एक बार, कॉकरोच का हेड कटने से ये कितने दिन तक ये मतलब रह सकता है, तो 1 वीक तक हो सकता है क्योंकि इसमें हेड में ज्यादा नर्वस टिश्यू है नहीं, पूरे के पूरे देखो ना कहां पर ड्रॉ कर रहा हूँ, हेड में तो कुछ ड्रॉ ही नहीं किया, बाकी के सारे तो मैं सेगमेंट्स में ड्रॉ किया, थोड़ा सिक में 9 ड्रॉ किया, एब्डोमेन में 6 ड्रॉ किया, कुल मिला के 3+6 ड्रॉ किया, तो ये 6 जो फिगर होता है कॉकरोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काइटिन होता है 6 गिजर पे, ये जो एब्डोमेन पे जो होता है 6 होता है, ठीक है समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, ये सुन लो, यस सर, ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है हेड में क्या रहता है बेटा, तो कोई पूछेगा तो याद रखना हमारे हेड में जहां पर इसोफेगस घुस रहा है, ऐसे होता है ना इसोफेगस घुस रहा है, फिर ये आपके क्रॉप होगा, फिर गिजर्ड होगा, है ना, तो आपको याद रखना माउथ के पीछे जो इसोफेगस का जो फेरिंग्स होता है, याद रखना सिर्फ उसके ऊपर एक छोटे से नर्वस टिश्यू होता है, उसके ऊपर मतलब डॉर्सल साइड में, तो याद रखना दैट इज कॉल्ड सुप्रा इसोफेजियल ग्लैंड, एक ही नाम याद रखना है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, यहाँ पर भी गैंग्लियन ही होता है, ठीक है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, एक ऐसे गैंग्लियन ड्रॉ कर लिया, एक ही है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ये याद रखना है आपके, इसका ब्रेन नाम का कुछ है नहीं, जो जो है इसका नाम है वो भी इसोफेगस के थोड़े से ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन, समझ में आया, और इसका काम है सप्लाई करना, किसको सप्लाई करना, ये जो एंटेना वाला सेंस होता है ना, सेंस कैसे आएगा, ये एंटेना वाला सेंस जो होगा ये सेंस आएगा सुप्रा इसोफेजियल ग्लैंड्स में, फिर सुप्रा इसोफेजियल ग्लैंड सेंड कर देगा ये सारे के सारे गैंग्लियन तक, समझ में आया, तो सुप्रा इसोफेजियल ग्लैंड का फंक्शन था एंटेना का सेंसेशन, एंटेना जो सेंस करते हैं, जो आंख दिख रहा है, आंख जो सेंस कर रहा है, मतलब जो ओमाटीडियम सेंस कर रहा है, एंटेना सेंस कर रहा है, उसको पीछे तक भेजना काम किसका होता है, सुप्रा इसोफेजियल, इसीलिए इसका ब्रेन नाम का कुछ हो नहीं, अगर हमारे जो भी है ब्रेन में ही है, ठीक है, आप लोग का एब्डोमेन में कुछ नहीं होता, आप लोग का जो एग्जाम में लिखोगे जो भी चीज आएगा ब्रेन से आएगा, कुछ एब्डोमेन से नहीं आएगा, ठीक है, तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस दैट आई हैव मेंशन इन द क्लास इन द पोजीशन ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ आस एंड कॉकरोच, इन द पोजीशन ऑफ द कार्डियक सिस्टम ऑफ आस एंड कॉकरोच, नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेन एंड द गैंग्लियन, फॉर आस द गैंग्लियन विल, हम लोग में भी गैंग्लियंस होता है, हम लोग में भी गैंग्लियंस होता है ना, गैंग्लियंस का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में जब कोई कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन में है तो न्यूक्लियस बताना होता है सेल बॉडी का कलेक्शन, आपके स्पाइनल कॉर्ड में है तो भी आपके न्यूक्लियस बताना होता है, स्पाइनल कॉर्ड का न्यूक्लियस,
ये जो न्यूक्लियस टर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए होता है. कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इज नोन एज न्यूक्लियस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लाइक द क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व, दिस इज नोन एज गैंग्लियन. ठीक है, समझ में आया सबको? तो कॉकरोच का जो टेस्ट आएगा, कॉकरोच टेस्ट किस हिसाब से करेगा, क्वेश्चन आता है. तो कॉकरोच टेस्ट करेगा, कॉकरोच कुछ खा रहा है, इसका टेस्ट का सेंसेशन कौन से गैंग्लियन से होगा बताओ. टेस्ट का सेंसेशन कॉकरोच का टेस्ट कॉकरोच कैसे लाएगा बताओ? सुप्रा इसोफेजियल से. दिमाग लगाओ ना बेटा, सुप्रा इसोफेजियल माउथ के हेड रीजन पे है. तो उस कॉकरोच का जो टेस्ट होगा, कॉकरोच का जो एंटेना वाला सेंस होगा, कॉकरोच का जो कंपाउंड आई का जो सेंस होगा, कॉकरोच का जो मैक्सिलरी पल्प का सेंस होगा, लेबियल पल्प का सेंस होगा, ये सारे के सारे कहां से आएगा बताओ? ये आएगा आपके सुप्रा इसोफेजियल ग्लैंड से. ग्लैंड में पहले आएगा, गैंग्लियन में पहले आएगा. उसके बाद कहां पर जाएगा? जो आपके बॉडी में पैरेलल पेयर्ड सिस्टम्स है, जो पैरेलल पेयर्ड सिस्टम्स ऑफ गैंग्लियन एंड कनेक्टिव्स का जो सिस्टम है उसमें जाएगा. समझ में आया सबको? ठीक है, ओमाटीडियम कितना है इन लोग का बताओ? इन लोग का ओमाटीडियम कितना है? देखो कंपाउंड आई, देखो याद रखना कंपाउंड आई इसका दो है. मतलब कोई पूछेगा ओमा टीडीएम कितना है, मतलब जो यूनिट्स होता है उसको ओमा टीडीएम बोलते हैं हम लोग. तो ईच जो आई होता है उसमें हर एक छोटे छोटे ओमा टीडीएम होता है. ठीक है, तो ये ओमा टीडीएम का नंबर हो जाएगा 2000. कोई पूछेगा सिंगल आई कितना है? एक है. कंपाउंड आई कितना है? दो है. मगर हर एक जो कंपाउंड आई है, जो कंपाउंड आईज, जितने भी इसका कंपाउंड आईज होता है, कंपाउंड आईज इसका दो होता है, इसमें कोई मतलब दोहराया नहीं है. नहीं, कंपाउंड आयस जो होता है डॉर्सल सरफेस में, उसमें ओमा टीडीएम कितना होता है? वो 2000 होता है. 2000 होता है. ठीक है, तो मोजाइक इमेज होता है, रेजोल्यूशन खराब होता है, ये सारे के सारे, सेंसिटिविटी कम होता है, उतना अच्छा नहीं होता, ये मालूम है. इनका बॉडी क्या है? मोनोशियस और डाइशियस. इसका बॉडी होता है डाइशियस. डाइशियस मतलब होता है मेल का एक बॉडी होता है सेपरेट, फीमेल का एक सेपरेट बॉडी होता है. ठीक है, इसका आप लोग बताओ इनका जो टेस्टिस होता है कौन से सेगमेंट में होता है? टेस्टिस का सेगमेंट कैसा था? ओवरी का आप लोग को याद है? ओवरी का कितने कितने सेगमेंट है बताओ? 4 to 7. हाँ, टेस्टिस का कितना है? 4 to 6. टेस्टिस का कितना होगा? 4 to 6. ठीक है, वास डिफरेंस उससे आता है, सबको याद है. वास डिफरेंस कहाँ पर ओपन होता है? इजैकुलेट डक्ट में. किसके थ्रू जाता है? सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू जाता है. सबको याद आ रहा है ना? अभी सबको आ रहा है ना? और एक चीज बताओ, इसके जो गोनोपोर होता है, इजैकुलेट डक्ट जो opens into the male, देखो गोनोपोर दो होता है, फीमेल के लिए भी एक गोनोपोर होता है, मेल के लिए भी गोनोपोर होता है. फीमेल का गोनोपोर क्या था? वो जो जहां पर स्पर्मेटिका ओपन कर रहा था. मेल का गोनोपोर क्या है बताओ? मेल गोनोपोर का मतलब होता है ये वाला जो चेंबर है, ये मेल का जो गोनोपोर है, ये देखो ये वाला है मेल का गोनोपोर. जस्ट वेट, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेल गोनोपोर. एक्चुअली टिटिलेटर सब होल्ड करने के लिए होता है फीमेल को. टिटिलेटर इज जस्ट टू होल्ड द फीमेल. ये एक स्यूडो पेनिस होता है, एक्चुअल पेनिस नहीं होता है, ये थोड़ा स्टिमुलेट करने के लिए होता है फीमेल को. ठीक है, ये फैलोनियस एक्चुअली होता है, थोड़ा स्क्रोटम टाइप की चीज होता है ये जो पार्ट होता है. सो वट इज दैट इज द गोनोपोर. गोनोपोर होता है, गोनोपोर होता है जहां से ये प्रोडक्ट आता है बाहर में, ये जो स्पर्म लाइक जो प्रोडक्ट होती है बाहर आता है. तो दिस इज लाइक द गोनोपोर. ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आज लोग हम डिस्कशन करेंगे, ऊथेका का कॉन्सेप्ट. ये बहुत बार आते हैं, तो ऊथेका का कॉन्सेप्ट डिस्कशन करना है, इसके बाद में ही आएगा. तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया है? इतना तक समझ में आ गया ना सबको? यस यस सर. मशरूम शेप्ड ग्लैंड कौन सा है बताओ? कौन से ग्लैंड मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स है? कौन से ग्लैंड मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स है बताओ? सेमिनल वेसिकल. देखो ये लिटिल बिट एक्चुअली कंफ्यूजनल ये इंफॉर्मेशन है. ठीक है, एनसीईआरटी का मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट, दे आर सेइंग 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट जो एक्सेसरी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में है उसके द्वारा काम करता है, बट दे हैवंट मेंशन एनी अदर थिंग. मैं व्हाट आई हैव यूज्ड इन द लाइव क्लास के मैं बताया था, थोड़ा मशरूम टाइप के देखने होता है, दैट इज जस्ट टू फॉर द शेप. बट इसके एक डेडिकेटेड मशरूम ग्लैंड नाम का ग्लैंड है. ठीक है, जो एक्सेसरी में काम करता है मेल में, ये याद रखना है, याद रख लो. सेमिनल वेसिकल आई शुड नॉट से डायरेक्टली सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल ऐसे नहीं कि सेमिनल वेसिकल मशरूम ग्लैंड है. मशरूम ग्लैंड इटसेल्फ इज अ ग्लैंड. एक मशरूम ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड भी होता है इन लोग में, जो एक्सेसरी में काम आता है ज्यादातर. ठीक है, ज्यादातर एक्सेसरी में काम आता है.
ठीक है, इतना तक याद रखना होगा। और आप लोग को तो याद है एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जैसे पेनिस होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर मेल, ऐसे इन लोग के पास भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो जिसमें मेल में गोनोफाइसिस होता है, फीमेल में भी गोनोफाइसिस होता है। गोनोफाइसिस होता है होल्ड करने के लिए, ठीक है, फैलोमियर्स होता है जो होल्ड करने के लिए, सब होल्डिंग स्ट्रक्चर्स स्टिमुलेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, फैलोमियर्स गोनोफाइसिस। फैलोमियर सिर्फ मेल में होता है, गोनोफाइसिस मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। जैसे गोनोपोर, गोनोपोर मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, मेल गोनोपोर अलग है, फीमेल गोनोपोर अलग है। और एक क्वेश्चन आता है गोनोफाइसिस किससे बने होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा था, काइटिन से बने होते हैं। मैं ड्रॉ किया था ना फाइसिस जो होता है, फाइसिस फाइसिस जो होता है ये थोड़े से क्या बताऊं मैं, थोड़ा एक प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, तो याद रखना ये भी काइटिन होता है। तो काइटिन आपके तीन स्ट्रक्चर बनाएगा, एक्सोस्केलेटन, गोनोफाइसिस, फैलोमियर, और सेम चीज है मेल के लिए फैलोमियर गोनोफाइसिस ही है, और तीसरा है दैट इज कॉल्ड यू नो द प्लेट, प्लेट ऑफ गिजर्ड। अब ये देखो, अब एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम कॉकरोच। स्पर्मथीका क्या है? स्पर्मथीका है स्पर्मथीका से पहले एक चीज बताऊंगा मैंने, स्पर्म्स जो होता है फीमेल का, जैसे कि मेल, जैसे कि ह्यूमन की तरह, द स्पर्म्स आर ग्लूड, दे आर ग्लूड, दे आर प्रेजेंट इन द सेमिनल वेसिकल। यू कैन, आई थिंक नाउ यू कैन विजुअलाइज व्हाट इज द सेमिनल वेसिकल, यू कैन रिमेंबर, सेमिनल वेसिकल के अंदर आपके स्पर्म है, एक के साथ दूसरे जुड़ा हुआ है, ग्लूड से जुड़ा हुआ है, ये सब सही है। और जो डिस्चार्ज कब होगा, जब कॉपुलेशन होगा उस टाइम पे डिस्चार्ज होगा, सब कुछ सही है, मगर ये याद रखना है ये जो ग्लूड वाला जो स्ट्रक्चर, तो स्पर्म का स्टोरेज क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ह्यूमन में भी होता है परमानेंट टेम्पोररी स्टोर ऑफ स्पर्म होता है सेमिनल वेसिकल में, टेम्पोररी स्टोर ऑफ स्पर्म होता है आपके एपिडिडाइमिस में, एंड परमानेंट स्टोर ऑफ स्पर्म होता है सेमिनल वेसिकल में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, इन लोग का भी स्पर्म का स्टोर कहां पर होगा? सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अभी क्वेश्चन आएगा स्पर्मेटोफोर क्या होता है? स्पर्मेटो मतलब होता है स्पर्म, फोर मतलब होता है होल्ड करना, बैग। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होता है ना, ये जो सेमिनल वेसिकल्स में जब स्टोर होता है, ये लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बैग की तरह स्टोर होता है, ड्रॉप 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 ड्रॉप, ये होता है स्पर्मेटोफोर्स। तो ये जो स्पर्मेटोफोर होता है, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन सेमिनल वेसिकल, ये याद रखना, छोटे छोटे बैग के तौर से निकलता है ये लोग, छोटे छोटे ड्रॉप ड्रॉप निकलते हैं। ये जो ड्रॉप है, वन ड्रॉप ग्लू से, इसमें मान लो बहुत सारे स्पर्म सेल्स है, दे आर ग्लू टूगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग वन स्पर्मेटोफोर, एंड दैट स्पर्मेटोफोर इज प्रेजेंट इनसाइड सेमिनल वेसिकल। समझ में आया सबको? ये एक एक बैग कब जाएगा? पॉपुलेशन के टाइम पे। Okay, now the next thing is the female reproductive. So which are discharged from the copulation that I have already mentioned. Ovary के बारे में आपको लोगों को मालूम ही है, ovary कहाँ आएगा? थोड़ा सा ऊपर, 4 to 7 we have discussed, but in NCERT they are mentioning 2 to 6, 4 to 7, 2 to 6, इतना difference. Each ovary formed with a group of 8 ovarian tubules and ovaries. ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी पे ये इन्फॉर्मेशन है नया, तो वी कांट डू एनीथिंग। 2 to 6 दे आर सेइंग, आई डोंट नो हाउ दे आर सेइंग 2 to 6 ओवरी, 2 to 6 सेवन तो ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सेवन होगा तो सिक्स होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, मगर दे आर सेइंग 2 to 6 ना, दे आर सेइंग, थोड़ा सा ये रट्टा मारना होगा बेटा, कुछ काम ये है, आई कांट हेल्प हियर, but I can, because we can easily find the segments are actually 4 to 7, but they are saying 2 to 6, this is somehow we have to simply do rapta, we can't help here. ठीक है, ये NCERT में ये information है, तो verification का कोई नाम भी नहीं है, verify करने से सही information गलत है सही है जो भी है, 2 to 6 है मतलब 2 to 6 है। ठीक है, ये याद रखना है, एक ही ऐसे सारे के चीज से ऐसे नहीं होगा, एक दो ही ऐसे होता है, तो थोड़ा याद रखना ये चीज। ठीक है, समझ में आया सबको? स्पर्मेटोफोर कॉन्सेप्ट याद आ गया सबको, और ओवरियन ट्यूब्यूल्स, हाँ बताओ। ओके, ओवरियन ट्यूब्यूल्स ऑलरेडी आई हैव मेंशन व्हाट इज, ये जो ओवरी होता है फ्लेम टाइप के, थोड़ा फ्लेम टाइप के जो ओवरियन ट्यूब्यूल्स होता है, ये 8 होता है, ऐसे नंबर इसका होता है 8, ये 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स इसके अंदर होता है, जैसे कि तो 8 ओवरियन ट्यूबल्स, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, 8 ओवरियन ट्यूबल्स का मतलब क्या होता है, ओवरियल्स का मतलब क्या होता है, और बाद में ये जॉइन करते हैं, इसका नाम क्या है बताओ?
बाद में ज्वाइन करता है, ये इस चीज का नाम क्या है, ज्वाइन करने के बाद इसका नाम होता है विजाइना, और एक एक जो डक्ट होता है उसका नाम क्या है बताओ? ओविडक्ट। ओविडक्ट, ठीक है। तो इतना तक तो हम लोग कर लिए, और इसके बाद ओविडक्ट ज्वाइन कर लिए तो विजाइना होगा। विजाइना कहाँ पर ओपन करेगा बताओ? ये जेनिटल पाउच, जेनिटल पाउच के ऊपर का पार्ट का नाम क्या है, नीचे के पार्ट का नाम क्या है बताओ? जेनिटल पाउच के ऊपर का नाम क्या है, नीचे का नाम क्या है? अपर इज जेनिटल चेंबर, दिस इज द जेनिटल चेंबर, लोअर वेस्टिब्यूल। और यहाँ पर आपके एक ऐसे गोनोफोफाइसिस भी होगा, याद आया ना, काइटिन से बने होता है। गोनोफाइसिस दोनों में ही होता है, मेल में होता है, फीमेल में भी होता है। और एक चीज यहाँ पर होता है आपके, दैट इज समथिंग कॉल्ड यू नो we have already mentioned to store the sperm, and that's something you know, sperma thica. ये sperma thica का question है, last उथेका का एक question है, उथेका का। और उथेका के बारे में हम लोग याद कर रहे हैं, जैसे कि male female को क्या transfer करते हैं, male female को transfer क्या करते हैं, drop of one bag of sperm, and the bag of sperm is called spermatophore. male female को spermatophore दे रहा है, और female का ये कहाँ पर जा रहा है, genital pouch पे जा रहा है। ऊपर है genital chamber, नीचे में क्या है, वेस्टिब्यूल्स। पहले वेस्टिब्यूल्स में गया ये स्पर्मेटोफोर, फिर वेस्टिब्यूल से थोड़ा ऊपर गया जिसका नाम है जेनिटल चेंबर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा क्या, जब ये मेल से फीमेल तक आया तो फीमेल का आपके जो ऊसाइट है कहां पर है, फीमेल का ऊसाइट कहां पर है, डू यू नो? पहले तो ओवरी से बना है, ओवरी से बनके कहां पर आया, कॉमन ओविडक्ट में। उसके उसके बाद कहां पर आया, ये कहां पर आया बताओ, ये आपके जो विजाइना तक आया, ठीक है, जेनिटल पाउच नहीं, विजाइना तक आया। और यहां पर आपके क्या था, क्या था यहां पर आपके, स्पर्मा, स्पर्मा थीका। तो स्पर्मा थीका का फंक्शन क्या है, नाम से क्या मालूम होता है, ये जो बैग है स्पर्माटोफोर का बैग, ये स्टोर होगा यहाँ पर। तो जो भी आपके फर्टिलाइजेशन होता है, तो कहां पर फर्टिलाइजेशन, इसका जैसे कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है आपके, बताओ कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में, एम्पुला इसमें जंक्शन, यहां पर आपके फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, ये जो स्पर्मा थिका है इसके अंदर होगा, ठीक है, समझ में आया सबको। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब इसके अंदर ऐसे एक ऊथेका बनता है, ये क्वेश्चन आता है, ऊथेका जो आप देखते हैं ना, जब बगल जब घर में कोई कोना कोना पे मिलता है ना, ऊथेका मिलता है ना, तो ऊथेका के बाहर में क्या होता है, एक काइटिनस कवर होता है, इसके बाहर में भी एक काइटिनस कवर होता है, क्वेश्चन पूछता है, ब्लैक इज ब्राउन, ये कवर होता है ऊथेका के बाहर, समझ में आया सबको। ऊथेका सबको याद आ रहा है ना, जैसे कि कॉकरोच का जो आज की एग बोलते हो आप लोग, उसमें एक्चुअली ऊथेका होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, इस ऊथेका में कितने एग्स होता है, कितने फर्टिलाइज्ड एग्स होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभार कोई, एनीवन हु कैन से, इनटू 14 इनटू 14 टू 16 वेरी गुड 14 वेरी गुड 14 होता है, 10 टू 14 टू 16 होता है ऊथेका में, आपको याद रखना है 14 टू 16 होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और कितने उथे के प्रोड्यूस हो सकते हैं एक बार में, एक बार कॉपुलेशन करने से कितने उथे का प्रोड्यूस हो सकता है, मैक्सिमम 9 to 10। एक बार से ये जो कॉकरोच का अंडा कितना मिलेगा, किसी एक कॉकरोच ने कितना अंडा दे सकते हैं, जो आप लोग अंडा देखते हैं उथे का कितना मिल सकता है, 10। और हर एक 10 में कितने कितने आपके जायगोट हो सकते हैं, हर एक टेन में कितने जायगोट हो सकते हैं, 16। तो मैक्सिमम कोई पूछेगा तो कितने मैक्सिमम जायगोट एक बार कॉपुलेशन में कितने एग्स हो सकते हैं, एक कॉकरोच का एक बार कॉपुलेशन होने से कितने बच्चे हो सकते हैं एक कॉकरोच से, 160। ये भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी 160, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, ये कॉकरोच का जो बच्चे होते हैं 160 कॉकरोच, 160 जो बच्चे होने का प्रोबेबिलिटी है, 160 होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है 100 हो, 60 नहीं हो, ठीक है, ऐसे हो सकता है, मगर ये जो 160 बच्चे होता है इसमें इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इनमें लार्वा स्टेज होता है या नहीं होता है, पहले बताओ लार्वा नाम का कुछ होता है या नहीं होता है, कभी सुना है कॉकरोच का लार्वा होता है, कॉकरोच का लार्वा होता है, नहीं होता है कॉकरोच का लार्वा नहीं होता है बेटा, वो जो आपके बचपन वाला बटरफ्लाई था उसमें सोचा आप लोग शायद सुने थे ना सर, एक नीम्फ होता है ना, नीम्फ होता है, नीम्फ इज नॉट लार्वा,
ठीक है, तो यू टेल मी ये जो डेवलपमेंट है ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है? डायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा नाम का कोई नहीं है, नीम का लार्वा इज नॉट सेम एक्चुअली, ठीक है। और ये कॉकरोच का डेवलपमेंट को हम बोलते हैं पौरो मेटाबोलस, इसका एक मीनिंग भी है पौरो मेटाबोलस। पौरो मेटाबोलस क्वेश्चन आता है जो डेवलप होता है ना, जैसे कि नीम फ्लेक है जो डेवलपमेंट होता है एग देन जाइगोट, आई मीन जाइगोट व्हाट एवर यू से एग जाइगोट नीम एंड उसके बाद एडल्ट, ये जो स्टेजेस होता है ना, दिस इज एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड पौरो मेटाबोलस। एग नीम्फ, नीम्फ का इंट्रोड्यूस जिस पे होता है मगर लार्वा का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पौरो मेटाबोलस। मगर आर्थ्रोपॉड में ऐसे इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो का कुछ डिफरेंट होता है, आपके जो बीज होता है उसका कुछ डिफरेंट होता है, तो उन लोग डिफरेंट होता है, मगर कॉकरोच के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में है ये पौरो मेटाबोलस, ये पौरो मेटाबोलस है, ये नीम्फ होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कितने बार मोल्टिंग होने से फाइनल कॉकरोच वर्जन मिलता है? 13। तो 13 इज इंपॉर्टेंट फिगर फॉर कॉकरोच, 6 इज इंपॉर्टेंट फिगर फॉर कॉकरोच, 6 इंपॉर्टेंट है कॉकरोच के लिए, 13 इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो आपको मालूम ही है 9 इंपॉर्टेंट है कॉकरोच के लिए, और आपकी ये 14 टू 16 वाला जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है, 4 फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉकरोच के लिए, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो एक याद रखना, व्हाट इज द लास्ट थिंग टू डेवलप इन एडल्ट कॉकरोच? विंग्स। What is the last thing to develop in an adult cockroach? क्योंकि नीम्फ में विंग पैड होता है और इसमें विंग होता है, इसीलिए देखो नीम्फ का लार्वा का डिफरेंस क्या है, लार्वा को देखकर पूरे एडल्ट की तरह नहीं होता है, मगर एक नीम्फ पूरे के पूरे एडल्ट की तरह होता है। ये क्वेश्चन आते हैं, नीम्फ एग्जैक्टली लुकिंग लाइक एडल्ट, सब कुछ एक होगा, हूबहू सेम होगा। एक बच्चा कॉकरोच को देखोगे जिसको नीम्फ है ना, आपको लगेगा यही एडल्ट है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं होता ह्यूमन के तरह, इसका साइज छोटा साइज बड़ा, इसका साइज कॉन्स्टेंटली होता है, हाँ छोटा बड़ा इधर उधर थोड़ा हो सकता है, और एक जो बच्चे कॉकरोच होता है जिसका नीम्फ होता है वो देखने में हूबहू आपके एडल्ट की तरह लगेगा, उसी के लिए इसका नाम नीम्फ है, लार्वा नहीं है। तो हम लोग बटरफ्लाई को लार्वा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई का लार्वा देखकर बटरफ्लाई के बारे में कुछ मालूम पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, तो बटरफ्लाई के इसलिए लार्वा नाम होता है, मगर इन लोग के लिए नीम्फ नाम होता है क्योंकि नीम्फ के साथ एडल्ट का सिमिलैरिटी होता है, लार्वा के साथ एडल्ट का कोई सिमिलरिटी नहीं होता है। और व्हाट इज, बट फिर भी नीम के साथ एडल्ट का डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? विंग्स के साथ, एडल्ट में विंग्स होगा, नीम्फ में नहीं होगा। और फिलहाल यही से हम लोग खत्म करते हैं और क्वेश्चन में जाते हैं, बैक्टीरियल डिजीज बहुत कॉज करते हैं ये लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट लगेगा हमारे क्वेश्चन करने के लिए, चलो रुक जाओ थोड़ा बेटा, 10 मिनट लगेगा क्वेश्चन करने में। अच्छा ये गोल्डन आवर सेशन 4, और ये सेशन 4 में जस्ट होल्ड ऑन, ये आपके बायोमोलिक्यूल, आई थिंक आपको आता है ना, आप लोग को कंफ्यूजन कहां पर है बायोमोलिक्यूल के, आई थिंक इनहिबिटर्स है ना, किसी कोई एक ने तो रिक्वेस्ट किया था, वो क्लास में नहीं है तो मैं बायोमोलिक्यूल में सिर्फ आपको क्वेश्चन देकर छोड़ दूंगा। ओके, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हाँ डोंट वरी, ये जितने भी एमसीक्यू हम लोग ने प्रैक्टिस किया, हालांकि पिछले दिन का पीडीएफ से हम लोग का थोड़ा गलत था ना, 2-3 क्वेश्चन गलत निकला था, याद है ना पिछले दिन का जो हमारे पीडीएफ था उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत निकला था। ओके चलो बताओ फटाफट से आंसर बताओ, बहुत मजा आएगा अभी, जल्दी जल्दी कौन जल्दी बता सकते, बताओ ये क्वेश्चन हू डिस्कशन किया हम लोग ने, आंसर बताओ, रैपिड फायर क्वेश्चन होगा बेटा, थोड़ा सा ये लोग ये ऑप्शन टू लोगो डालने के चक्कर में क्वेश्चन ही छोड़ दिया, ठीक है अभी चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, ये वाला देखो, सारे के सारे इतने टाइम से डिस्कशन किया तो आई विल नॉट पुट टाइम टू डिस्कस दिस थिंग। ओके आप लोग को पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेजने से ये वाला प्रॉब्लम ये है मिडिल में कौन याद कर सकता है, ये प्रैक्टिस करना है, ये 20 दिन में बार बार प्रैक्टिस करना है बेटा, बार बार ऑप्शन टू, ठीक है करेक्ट है, एकदम सही बताया, मे बी ये वेंट्रल होता है या डॉर्सल कॉडल स्टाइन, वेंट्रल होता है, चलो बताओ ये वाला बताओ, बताओ जल्दी जल्दी, सेमिनल वेसिकल, हाँ क्योंकि मशरूम ग्लैंड एंड दिस इज सेपरेट है, याद रखना है मशरूम ग्लैंड अलग होता है, बेकार का एक ग्लैंड होता है, कोई फंक्शन का नहीं होता, सिर्फ नाम मशरूम्स होता है, अगर याद रखना है सेपरेट होता है। ओके तो आप लोगों ने आंसर क्या बताया,
ये वाला बताओ, इतना टाइम नहीं है, चलो ठीक है, चलो ये बताओ, ये बताओ। आहा, मजा आया। नंबर ऑफ फर्टिलाइजिंग यूथेका यू ऑफ कॉकरोचेस बताओ, कितने पेयर्स है, कितने रोज में है? एट पेयर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज एट। फर्टिलाइज एग्स, फर्टिलाइज एग्स इन द यूथेका, कितने फर्टिलाइज एग्स है बताओ? एक 16। ऑप्शन सी। एक्चुअली यू हैव टू रिमेम्बर उन लोग उठे का बता दिया था, एक तो थाके तो उससे 10 থেকে মানে 14 থেকে 16 টা, তাহলে 16 টা যদি ধরে তাহলে তো 8 ই তো হবে। हां एक में करेक्ट आंसर दिए नहीं, पहले सोचना उठे का कितना होता है, 9 टू 10, ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्वेश्चन पूछा है एक उठे का में कितने फर्टिलाइज एग्स होता है, तो इसका आंसर होता है 14 टू 16। अब 14 टू 16 पेयर में होगा तो आंसर होगा 16 इन टू रोज। ठीक है, चलो देखा कैसे क्वेश्चन है। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन, डिस्कशन नहीं किया मगर आप लोग फिर भी आंसर कर लिया, कोलेटरल है करेक्ट आंसर, कोलेटरली वो जो कवर होता है उठे का वाला जो हार्ट कवरिंग होता है ना, ये हार्ट कवरिंग ये ही बनाते हैं, कोलेटरल क्वेश्चन आते हैं। ये वाला बताओ, ये पीडीएफ डालने से ना ये तकलीफ आप लोग को होगा नहीं, ये पीपीटी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास में, इससे आपको तकलीफ हो रहा है, आपका जो मैं ग्रुप में भेजूंगा ये पीडीएफ भेजूंगा तो आपको पूरा दिखेगा, डोंट वरी। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। प्रेजेंट सिमिलर फिजिकल कौन सा है, ये ऑप्शन बी। हाँ इसमें तकलीफ वाला क्या है, बी है, ठीक है चलो ये बताओ, सेगमेंट वाला क्वेश्चन है, कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट वाला क्वेश्चन। देखो ये चीज नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, बाकी देखो आंसर हो जाएगा। सरसी कहां पर होता है, स्टर्नम में या टर्जम में, सरसी कहां पर होता है, टर्नम स्टर्नम या टर्जम में, तो ये बी 5 ए की ऑप्शन है शायद, चलो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी बाकी के बाकी ऑप्शन को इनकरेक्ट करना होगा ऐसे ऐसे, ये प्रैक्टिस डालना स्टार्ट करो, या ए होगा आंसर, कोई बात नहीं है। ये वाला बताओ, लेबियम क्या होता है, लोअर, और वाइल टंग क्या होता है, हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, और पिक्चर से भी ये पहचानना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर करूंगा, कुछ नहीं। ऑप्शन 4। ठीक है, मोस्ट एविडेंट कोलाजन होता है एनिमल में, आप प्लांट में बताएंगे तो रुबिस्को। ठीक है, ये बताओ फंगी में क्या होता है, आपके काइटिन। पेप्टाइड बॉन्ड्स का इसमें होगा, कोलाजन में होगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होगा, रिसिन होगा। ओके, सबको बता रहा हूँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का लिस्ट है एनसीईआरटी पे, पूरा रट्टा मानना है, उस लिस्ट को पूरा रट्टा मानना है। ठीक है, पूरा रट्टा मानना है, 9 टू 10 का सब सुबह में जो टॉपिक था उसमें एक टॉपिक ऐसे है, ये जो लिस्ट है इसको याद करना है। आपके एग्जाम्पल बुक में भी है शायद ना, कोई खोला ही नहीं एग्जाम्पल बुक, किसी ने फॉलो किया, कोई ने प्रेपमेट का एग्जाम्पल बुक फॉलो किया एंड टू एंड, सुबह में रिवाइज करते हो? अदिति बोलने की कोशिश कर रहे हैं मगर उसका साउंड नहीं आ रहा है, आपके कुछ डिवाइस प्रॉब्लम है, आप हाँ बोल रहे, इतना तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल बुक प्रेपमेंट का मतलब ऐसे ही बने हैं, ये जो लिस्ट होता है जितने सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उसको लेकर बने हैं, तो एग्जाम्पल बुक आपके पास है या नहीं आई डोंट नो, इफ यू डोंट हैव कलेक्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, इफ यू स्टिल यू कैन आस्क पीआरओ और योर कैट टीम, एनी ऑफ योर कैट टीम मेंबर्स एज वेल, दे विल गिव यू। ठीक है, कैप्टन को पूछ सकते हो आप लोग, कैप्टन का काम है आप लोग को ये सब चीज देना। ठीक है, सेकंड ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, कोएंजाइम है, पहले बताओ ये कौन से पार्ट है, मेटल या नॉन मेटल, पहले टाइटली ये रॉन्ग है, ये तो टाइटली हो ही नहीं सकता है, और कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी, ये पिछले दिन भी किया था ना ये आपको, ये तो पिछले दिन भी आया था क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल वाला क्वेश्चन। ये बताओ कौन क्या भी नहीं है, कौन का वेलिन है, लेक्टिन। लेक्टिन करेक्ट, देखा ना बोल्ड हो गया हॉर्नोब ने।
ये सेकेंडरी वाला लीज पढ़ो बेटा, ये कौन कभी नहीं है आगे क्वेश्चन पे चलो बोल रहा हूं व्हाट इज क्यू बट बी फॉल्स. ओके 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 नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम कूल डाउन यू जस्ट रिवाइज इट अगेन. माय टेक होम मैसेज इज दैट यू हैव टू करेक्ट इट इन योर एक्चुअल एग्जाम. यू जस्ट रिवाइज इट बिकॉज़ दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल. ठीक है ठीक है ठीक है ये करेक्ट है. फिर सबको मालूम है कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल है, कीटोन होता है या फिर एल्डो शुगर होता है. बताओ ये ऑप्शन डी. डीनेचुरलाइजेशन करने से प्रोटीन का काम बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं, कभी अच्छा नहीं हो सकता. ये बताओ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन. रॉन्ग, इट इज नॉट करेक्ट. कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन. कैटलिस्ट कभी इनिशिएट, हाँ सही है, तो इनिशिएट तो कैटलिस्ट कभी नहीं करेगा. कभी कैटलिस्ट एंजाइम इनिशिएट नहीं करते, स्टार्ट खुद ब खुद करना होता है. ठीक है तो द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी. बी यस बी इज इनकरेक्ट क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये तो कांस्टेंट होता है ना, इस चेंज कभी नहीं होगा तो कांस्टेंट कैसे होगा. बचपन वाला चीज है, कांस्टेंट को चेंज बोल रहे हैं. आई दैट इज आल्सो ट्रू ओनली एक्चुअली शायद इन लोग का मालूम है कांस्टेंट इज द ओनली चेंज. सॉरी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. डालते ना कोई कोई स्टेटस पे चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. फिर एक नया गाड़ी खरीदा और कुछ बोल दिया चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. ठीक है तो देखो नेक्स्ट बात व्हिच इज द नॉन पॉलीमेरिक. पॉलीमेरिक कौन सा वाला पॉलीमेरिक नहीं होता है, पॉलीमर नहीं होता है. बताओ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन लिपिड. बताओ इजी क्वेश्चन है. लिपिड लिपिड का प्रोटीन कभी सुने हो, पॉलीलिपिड्स कभी सुने हो. लिपिड का कोई पॉली पॉली नहीं होता है भाई, एक ही वन ग्लिसरॉल थ्री फैटी एसिड मैक्सिमम यू कैन हैव. ये क्वेश्चन बताओ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो आपके एनर्जी इतना था, एंड के टाइम में थोड़ा इतना सा है तो बाकी एनर्जी आपके पास आ गया तो ये एक्सोथर्मिक है. और ये आपके ए वाला जो है इसमें एंजाइम यस यस बी में आप एंजाइम नहीं डाल रहे हो, ए में एंजाइम डाल रहे हो, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कम गया है. एक्टिवेट करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए ट्रांजिशन स्टेट के लिए. ठीक है तो ऑप्शन टू हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन. Study hard until you can say, trust me, I am your doctor. Study hard until you can say, please pass the scalpel. ठीक है चलो तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं. बीच में एक दो सेशन मेरा ख्याल में लगा तो I will arrange. ठीक है and now you just go through and send us that if you really if any time you find that this is something you really need support on any particular topic then we can also provide support. तो इफ यू फाइंड दैट ऐसे सर एक ऐसे ही टॉपिक है जिसको मैं कुछ भी कर लूं मेरा याद नहीं रहता है तो सेंड अस द टॉपिक. आई विल डेफिनेटली वी विल अरेंज डेफिनेटली अरेंज फ्यू सेशंस. मैं सबको बोल रहा हूँ जो हमारे जो गोल्डन आवर सेशंस था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ये थोड़ा कितना है कुल मिला के सेवन सेशन सॉरी फोर प्लस थ्री सो एट थ्री इलेवन 20 आवर का सेशंस है. बहुत रिविजन अच्छे से है तो जिन्होंने भी अटेंड नहीं किया हो अटेंड कर लो. हम लोग एक YouTube प्लेलिस्ट बना लेंगे फिर उसको वहां पर डालेंगे, एक ही प्लेलिस्ट में आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है और एक चीज बता रहा हूँ, सब लोग YouTube का सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं ना हम लोग का चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लास्ट एंड पे टॉपिक होगा जो मैं सिर्फ YouTube में आऊंगा. ठीक है और हम लोग का एक चीज बता रहा हूँ अभी से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन के शाम में आप लोग आने के बाद हम लोग लाइव उस क्वेश्चन का सेवन थ्री आवर्स में डिस्कशन करेंगे. एक घंटा फिजिक्स टीचर, एक घंटा केमिस्ट्री टीचर और एक घंटा मैं आऊंगा. तो फिर वो जो सारे पेपर है हम लोग का आंसर किस हम लोग निकलेंगे और आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे. मगर वो यूट्यूब में होगा तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, वी विल डिस्कस दैट इन लाइव देयर. और आप लोग भी एग्जाम देने के बाद उस दिन के लिए कोई प्लान मत बनाओ, नेक्स्ट दिन में जो करना है करो. ठीक है क्योंकि देखो जो भी एक बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर रिजल्ट तो जो आएगा आएगा, बिल्कुल ये सही नहीं है क्योंकि जो भी आपके रिजल्ट आने वाला है यू शुड नो दैट, यू शुड मेंटली प्रिपेयर अबाउट दैट. ठीक है एंड आई थिंक यू विल डू डेफिनेटली विल रॉक इट, सो डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट रीड इट अगेन एंड डोंट लूज फेथ इन योर सेल्फ. आपके पास ये पूरा पावर है. ठीक है इसमें कोई आप बात ये आप लोग इसका पूरा यूटिलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, पावर तो आपके पास डेफिनेटली है. यू हैव टू यूज इट बींग हेल्दी एंड बींग कूल. नॉट कूल बींग हेल्दी, कूल होना उतना आसान नहीं है स्ट्रेस में. हेल्दी तो रह सकता हो ना, स्लीप करो अच्छे से, रिविजन कर दो. ओनली थिंग यू हैव टू रिवाइज एनी वे, थिंक लेस, ज्यादा सोचो मत. ठीक है मुझे रैंक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये करने से दिन चला जाएगा रैंक ये सोचने के लिए. ज्यादा सोचो मत, इसीलिए क्वेश्चन में भी जब अटेंड करते हो मैं हमेशा आप लोगों को ये बात बोलता हूँ
क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लो, ये सोचना नहीं है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि इस चक्कर में टाइम चला जाएगा आपके पास। सिमिलरली जब आप सोचोगे मुझे रैंक आएगा या नहीं आएगा, ये सोचना ही है सिर्फ, या पढ़ना है। इवन ऑन द डे ऑफ एग्जाम बहुत सारे चीज, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताएंगे, आप सिर्फ पढ़ते रहो। एंड वी विल ऑलवेज देखो, ये इसीलिए हम लोग ऑल द बेस्ट जो विश होगा ना आपको करना है वो भी एंड डे में नहीं करेंगे, जो करना है पहले कर लेंगे एक दो दिन पहले। लास्ट दिन में ये सब चीज बेकार का लगता है बहुत, ऑल द बेस्ट ये सब चीज बेकार का, ठीक है एग्जाम में तो हम लिखेंगे आपका क्या ऑल द बेस्ट बता दिया, ऐसे ही लगता है ना, ऐसे ही लगता है।